हेलो दोस्तों मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और पिनाकल पब्लिकेशन के एसएससी जीएस थ्योरी बुक के वीडियो सोल्यूशन के साथ तो चलेगा अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्पल्स मंदिरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहाँ से हम लोग जानेंगे भारत के अलग अलग मंदिर उनके आर्किटेक्चर की शैली जैसे आप सबको ध्यान रखना है हम लोगों का कि जो पढ़ने वाला मेन टॉपिक है जैसे नॉर्थ इंडिया के हो गए हैं नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या पढ़ के आते हैं दोस्तों नॉर्थ इंडिया में नागर शैली हो गई है आर्किटेक्चर की नागर फिर साउथ इंडिया में हम लोग पढ़ के आते हैं साउथ इंडिया की जो शैली हो गई है मंदिर निर्माण की उसको क्या बोलते हैं द्राविड हो गई है द्राविड फिर हम लोग एक वैशर शैली पढ़ के आते हैं वैशर जो वैशर है वो नागर प्लस द्राविड़ पढ़ के आते हैं नागर प्लस में द्राविड और एक हम लोग पढ़ के आते हैं, पंचायतन।, पंचायतन पहला ये चीजें हम लोग बहुत पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे पंचायतन ये सभी क्या हैं दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर हैं मंदिर निर्माण की शैलियां हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे इनकी डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे देन फिर इन सभी के हम सब एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि नागर शैली का जो मंदिर है वो कौन सा है द्राविड़ शैली का मंदिर जो है वो कौन सा है वैशर का कौन सा है पंचायतन का कौन सा है पंचायतन में एक मंदिर बीच में चार अन्य मुख्य मंदिरों जो है मुख्य मंदिर जो है, है चार अन्य मंदिरों से घिरा होता है तो इन सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप सबको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक और आर्किटेक्चर की शैली करुण के एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट होता है चलिए क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से और सबसे पहले श्री गणेश होता है मंदिर से संबंधित अपनी क्लास को शुरू करते हैं और मंदिरों की वास्तुकला की भारतीय शैली को मोटे तौर पर तीन अलग अलग कैटेगरी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है फर्स्ट वन पढ़ के आते हैं नागर ये उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है उसके बाद द्रविड़ पढ़ के आते हैं या ये दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है और एक हम लोग वैशर पढ़ के आते हैं फोर्थ वन आप चाहो तो पंचायतन भी यहाँ पे लिख सकते हो पंचायतन ये भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पलों को भी जानेंगे पंचायतन फोर्थ वन पंचायतन ठीक है दोस्तों इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल इज ब्रोडली क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरी फर्स्ट वन नागर और नॉर्थ इंडियन स्टाइल सेकेंड वन द्राविडियन और साउथ इंडियन स्टाइल थर्ड वन वैसर एंड फोर्थ इसको थोड़ा अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है पंचायत मंदिर शैली यानी अब आप सबको कम से कम इतना जरूर पता चले कि नागर क्या है द्राविड क्या है वैश्य क्या है और पंचायत क्या है तो आप सबका आंसर हो कि ये मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हो गई हैं मंदिर निर्माण की शैली में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं बहुत बार एग्जाम्पल में आप सबको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जग टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं है तो आप सबको वहीं से क्वेश्चन को छाटना स्टार्ट करना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद देखिए सबसे पहले मंदिरों में जो है कक्ष हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अच्छे से याद है कि पेपर में ग्रभ ग्रह पे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ग्रभ ग्रह पे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण भारत के मन, जो मंदिरों का प्रवेश द्वार है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया गोपुरम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग तरह से क्वेश्चन जो है वहां की टर्मिनोलॉजी जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके टर्मिनोलॉजी पे भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं तो एक बार सबसे पहला तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि किसी भी मंदिर में जो है कक्ष कितने होते हैं मंदिर में कक्ष पढ़ोगे तो कितने कक्ष हैं दोस्तों चार फर्स्ट वन पढ़ के आते हैं गर्भ ग्रह इस पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे जो आगे हम लोग डेफिनेशनें भी दी गई हैं खैर यहाँ पे ग्रभ ग्रह के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इस पे पेपर में क्वेश्चन आया और क्या पूछा कि जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं जहाँ पे पेपर पूछा ये था कि राजा महाराजा पुजारियों के साथ जो है पूजा करते हैं तो कहाँ पे तो वो ग्रभग्रह में जहाँ पे मूर्तियां होती हैं तो गर्भगृह जहाँ पे भगवान होते हैं तो ग्रभ ग्रह हो गया है हमारा फर्स्ट वन उसके बाद जगमोहन पढ़ेंगे देन नाट्य मंदिर है और एक भोग मंदिर है तो ये जो है मंदिरों के चार अलग अलग चैंबर हम लोग पढ़ के आते हैं गर्भगृह जगमोहन नाट्य मंदिर और भोग मंदिर परिसर जो है वो दो इमारतों से बना होता है एक होता है मुख्य मंदिर जो लंबा और उससे सटा एक छोटा मंडप कहलाता है तो हम लोगों ने अपनी नागर शैली के बारे में ये बातें यहां से जान ली हैं। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट वन टेम्पल है और फोर चैम्बर। तो नागर स्टाइल में जो है मंदिर में कितने जो है चैंबर होते हैं तो आंसर क्या करेंगे चार चैंबर होते हैं गर्भगृह जगमोहन नाट्य मंदिर और भोग मंदिर ध्यान रखेंगे नागर में द कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है इज मेड ऑफ टू बिल्डिंग्स कितने बिल्डिंग्स का बना है दो द मेन श्राइन्स विच इज टॉलर एंड ए shorter मंडप एडजस्टेंट टू इट एडजस्ट मतलब जो उसके साथ लगा हुआ एक मंडप हो गया है परिसर दो इमारतों से बना एक मुख्य मंदिर जो लंबा है और उसे सटा एक छोटा मंडप भी हो गया है नेक्स्ट देखो इसके बाद अब यहां से हम सबसे डेफिनेशन पूछेगा मैं आप सबको यहाँ से दिखा भी देता हूँ एक सेकंड के रुकिएगा यहाँ से यानी ये नगर स्टाइल का जो है टेम्पल हो गया हमारा जो आप सब इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ से और इसके साथ जो है मैं आपको जो डेफिनेशन यहाँ से बताने की कोशिश करूंगा उन सबको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ठीक है कि कौन सा जो है पार्ट क्या कहलाता है वो इमेज के साथ हम लोग यहाँ से जानेंगे ठीक है सबसे पहले देखिएगा गर्भ ग्रह ये एक गुफा जैसा कक्ष है जिसमें मंदिर की प्रमुख मूर्ति रखी जाती है ग्रभग्रह में क्या रखा जाता है मूर्तियां जो पूजा होती है वो यहीं पे गर्भ ग्रह में पूजा होती है केवल एक ही प्रवेश द्वार वाला एक छोटा कक्ष हुआ करता था ये बाद के युगों में एक बड़े कक्ष के रूप में विकसित भी हो गए आजकल मंदिर के जो जहाँ मूर्तियां रखी जाती है बड़े कक्ष भी हो गए बड़े कमरे के रूप में परिवर्तित हो गए हैं यानी गर्भग्रह है एक मुख्य कक्ष किसी भी मंदिर का जहां पे मूर्तियां रखी जाती हैं सेकंड शिखर जो है वो गर्भग्रह यानी जो पवित्र स्थान है मंदिर है जहां पर गर्भग्रह उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से जो आपने देखा होगा एक ट्राइपोर की तरह एक ट्रैंगल की तरह ऊपर जाके बनता है तो वो क्या कहलाता है वो शिखर है गर्भगृह गर पवित्र स्थान का एक वर्काकार शिखर से सजाया गया क्या कहलाता है शिखर मुख्य मंदिर के लिए घंटे के आकार की संरचना बनाई जाती है मुख्य मंदिर के लिए घंटे के आकार की संरचना गर्भगृह इट इज ए केव लाइक चैंबर दैट होल्ड द टेम्पल मेजर आइकन इट इज यूज टू बी ए स्मॉल क्यूबिकल विद ओनली वन एंट्रेंस केवल एक ही एंट्रेंस होता है इट इवोल्ड इन टू ए लार्जर चैंबर इन लैटरेज बाद में जाके जो है चैंबर बड़ा हो गया शिखर क्या होता है शिखर द गर्भ ग्रे इनर सेंटम इज क्राउंड विद ए क्रूविलीनियर शेप्ड शिखर एंड ए बेल सेप्ड स्ट्रक्चर हैज बीन इलेक्टेड टू द मेन श्राइन लिख दिया है यहाँ पे मुख्य मंदिर के लिए घंटे के आकार की संरचना जो है वो बनाई जाती है इमेज में मैं आप सबको बताऊंगा कि ग्रभ ग्रह तो आप सब समझ गए कि एक ग्रभ गर है और शिखर भी आप समझ गए कि किसी भी मंदिर को देखेंगे तो बिल्कुल एक शिखर जाता आप सबको दिखाई देता है और जो ग्रभ ग्रह के ठीक ऊपर होता है तो उसको क्या बोल देते हैं उसको शिखर बोला जाता है आगे बढ़ो जरा नेक्स्ट को पढ़ो मंडप हिंदू मंदिर में मंडप मंदिर की ओर जाने वाला गोपुरम गोपुरम देखिएगा मेरे दोस्तों हम सबसे पूछा कि गोपुरम क्या है एक एक गोपुरम पूछते हैं हम लोगों से सजा हुआ प्रवेश द्वार यानी मंडप या आगे की तरफ जाने वाला एक रास्ता होता है असल में खासकर में जो पेपर में डेफिनेशन पूछने वो क्या पूछता है दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कह दिया गया तो गोपुरम के नाम से उसको जाना गया हालांकि नागर शैली में भी हम लोग यानी प्रवेश द्वार तो हर एक मंदिर में होता है पढ़ के आते हैं ना तोरण नहीं होता है। सजा हुआ समारोह में आपने तोरण का नाम सुना होगा तो तोरण वो सजा हुआ प्रवेश द्वार होता है तो सेम ऐसे ही यानी हिंदू मंदिर में मंडप की ओर जाने वाले अलंकृत सजा हुआ प्रवेश द्वार के माध्यम से एक बरामदे जैसी संरचना होती है आप सब ने जरूर इसको देखा होगा यानी मेन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक ब्राह्मण ब्राह्मी संरचना जो उसको क्या कहते हैं गोपुरम ये सजा हुआ प्रवेश द्वार की तरह होता है ऐसा ही शादी समारोह में होता है कि एक बिल्कुल रेड कारपेट होता है और आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं तो क्या होता तो है गोपुरम मेन जो गेट होता है वहां से अब यहाँ पे जो है इसको आगे बढ़े अर्ध मंडप हुआ मंडप महामंडप मंडप मुख्य होल के तीन रूप हो गए हैं ये तीन रूप हम लोग यहाँ पे इसके पढ़ के आते हैं टाइप में अब एक बार इंग्लिश में यहां से देखिएगा क्या लिखा है फिर हम लोग इसको पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले मंडपा हो गया है इन द हिंदू टेम्पल द मंडप इज ए पोर्च लाइक स्ट्रक्चर गोपुरम को तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया है आप सबसे गोपुरम जो है ये पेपर में बहुत बार आ गया दोस्तों ध्यान रखिएगा लाइक स्ट्रक्चर थ्रो द गोपुरम गेटवे सजा हुआ प्रवेश द्वार लीडिंग टू द टेम्पल जो मंदिर की तरफ जाता है मंडप मन मंडप एंड महामंडप आर द थ्री फॉर्म ऑफ मंडपा मेन जो मेन होल हो गया मंडप का उसको तीन भागों में बांटा है मंडप हो गया है मंडप हो गया है और महामंडप हो गया है ये मंडप के तीन भाग के रूप में तीन पार्ट के रूप में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं अब आगे बढ़िए नेक्स्ट पे आते हैं अमलक कलश और अंतराला अब ये क्या चीज है अमलक मंदिर के शीर्ष पर एक पत्थर की डिस्क जैसी संरचना होती है मंदिर के शीर्ष पर मैं दिखाता आपको एक इमेज भी हम लोगों ने यहां पे इसमें ऐड की है एक डिस्क जैसी संरचना ये देखो ये जो मैंने कहा था ना इसमें गर्भ ग्रह के ऊपर होता है शिखर हो गया और यहाँ पे आप सब एक गोल स्ट्रक्चर डिस्क जैसी संरचना जो है वो देख पा रहे हैं तो उस डिस्क जैसी संरचना को क्या नाम दे दिया गया है यहाँ पे उसको कह दिया गया है अमलक मंदिर के शीर्ष पर एक पत्थर की डिस्क जैसी संरचना अमलक कलश जो है ये शिखर के साथ साथ पूरे मंदिर का सर्वोच्च शिखर है ये अमलका का मुकुट हो गया है अमलका के ऊपर अमलका का जो है ये मुकुट हो गया है कलश और अंतराला गर्भग्रह और मंडप के बीच जो है अंतराला नामक एक प्रकोष्ठ है गर्भग्रह जहां पे मूर्तियां हैं और उसके साथ जो है मंडप साथ लगा होता है दोनों के बीच का जो है अंतराला मतलब जो अंतराल है उसको भी बोल दिया अंतराला इंग्लिश में देखिएगा ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ से बहुत जबरदस्त पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है है ठीक आर्किटेक्चर स्टाइल से मैंने आप सब से कहा आर्ट एंड कल्चर से पेपर में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता है यकीन ना हो तो पैसठ सौ बुक में से आप सब देखिएगा वहां पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिए गए नहीं तो आप गूगल करके भी देखिए एसएससी क्वेश्चन लिख दीजिएगा आप सबको पता चलेगा किस एग्जाम में पूछा है अमल का एट द टॉप ऑफ द टेम्पल इज ए स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कोल्ड अमल का Then कलशा इट इज द हाइएस्ट पिनाकल ऑफ द सिखरा एज वेल एज द इंटायर टेम्पल एंड क्राउन ऑफ अमलका तो अमलका के भी ऊपर होता है और ये सबसे ऊंची चोटी होती है कलशा सिखर बोले ना हाइएस्ट पिनाकल ऑफ द सिखरा और उसके बाद है अंतराला बिटवीन द ग्रभगृह एंड द मंडप ये किसके बीच में होता है गर्भगृह और मंडप के बीच में होता है देर इज ए वेस्टिब्यूल कॉल्ड अंतरा दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोल दिया गया अंतराला बोल दिया गया है ध्यान रखेंगे हमने अभी तक अगर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हमने सबसे पहले पढ़ा था गर्भगृह आप सबको पता है कि गर्भगृह जहाँ पे मूर्तियों को रखा जाता है कितने भाग में इसको हम लोग पढ़ के आते हैं आगे जब हम लोगों को मंदिर में यानी गर्भगृह तक जाने वाला जो प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कह देते हैं उसको गोपुरम कह देते हैं कहता है कि जो मंदिर

जो लिख दिया गोपुरम जैसी के के जो संरचना उसको क्या कह दिया मंडप सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा गर्भगृह को रखा जाता वो गया? है संरचना को क्या कह दिया है मंडप गर्भग्रह के ऊपर क्या हो गया दोस्तों ऊपर हो गया है आपका शिखर जिसको बोलते हैं शिखर के ऊपर एक पत्थर जैसी गोल संरचना लगी होती है डिस्क संरचना लगी होती है उसको क्या बोल दिया अमलक बोल दिया अमलक के

नेक्स्ट देखो जगती ये एक उठा हुआ मंच जहां भगत बैठकर पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं उसको जगति के नाम से जाना जाता है जहां पे भगत क्या करते हैं दोस्तों पूजा करते हैं उसको जगति कहा जाता है उसके बाद जो है ये उत्तर भारतीय मंदिरों में लोकप्रिय है जगती जहां पे भजन भजन कीर्तन किया जाता है जगती यानी जगती का मतलब कैसे पढ़ें जगराता टाइप पढ़ लेते हैं जगराता क्या होता है जहां पे बैठकर पूजा पाठ की जाती है वो क्या कहलाता है जगती कहलाता है क्लियर हो गया सर बिल्कुल क्लियर हो गया आगे बढ़ो देखो वाहन ये एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मंदिर के मुख्य देवता का पर्वत या वाहन है जो गर्भ ग्रह के सामने अक्षय रूप से रखा जाता है वाहन हो गया है तो वाहन एक स्तंभ टाइप या ध्वज के साथ मंदिर के जो मुख्य देवता हैं जैसे भगवान शिव का है भगवान श्री कृष्ण का है तो जिसका मंदिर है तो मंदिर के अः मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मंदिर के मुख्य देवता का पर्वत या वाहन हो गया है जिसके ऊपर जो है वो रखे जाते हैं आपके मूर्ति कह सकते हैं जो गर्भ गर्भ के सामने अक्षर रूप से रखा जाता है इंग्लिश में देखेंगे जगती ए रेल प्लेटफॉर्म वे डिवोटीज कैन सिट एंड वर्शिप विच इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल जगती एंड वाहना इट इज द माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन अलोंग विद ए स्टैंडर्ड पिलर और ध्वज विच इज प्लेस्ड बिफोर द सैंक्टम तो जो पहले रखा जाता है और अक्षय रूप से जो है गर्भ गर् के सामने रखा जाता है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये वो प्लेस हो गया जगती जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है ऊंचा उठा हुआ भाग है जमीन से जहां पे क्या करते हैं पूजा पाठ करते हैं ठीक है ये इमेज से भी आप देख सकते हैं एक और इमेज आप सब सबको तो दिखाऊंगा जिसमें पूरा चीजें लिखी गई है पहले से ही नागर मंदिर शैली की वास्तुकला को के के शिखर के आधार पर वर्गीकृत भी आगे किया जाएगा शिखर के आधार पर जो ऊपर वाला पार्ट हम लोग पढ़ गए थे उसके हिसाब से भी इनके बारे में भी जान लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबको जो इमेज जैसे मैं बात कर रहा था जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इमेज के बारे में जो अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी हो गई है मंदिर की उनके बारे में जान लेते हैं यहाँ से आप सब देखिएगा दोस्तों इमेज में आप सबको जो है आ, नागर शैली में जो अलग हम पढ़ के आए थे वहां पे सबसे पहला मैंने आप सबसे कहा था ये हो गया है आपका गर्भगृह -गर गर्भग्रह इस गर्भ ग्रह में जो जहाँ दिखाया गया है यहाँ पे मूर्तियां रखी जाती हैं और जो पुजारी होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं तो ये गर्भग्रह हो गया जो रेड में यहाँ पे इंडिकेट आप सबके लिए किया गया है उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये यह जो गर्भ गर्भगृह के ठीक ऊपर जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये क्या हो गया दोस्तों ये हो गया है शिखर इसका क्या नाम है शिखर शिखर के ठीक ऊपर जो ये आप सब डिस्क वाले स्ट्रक्चर देख पा रहे हो डिस्क वाले स्ट्रक्चर इसका नाम क्या हो गया अमलका क्या नाम हो गए दोस्तों अमल का इसी के ठीक ऊपर और इसी के क्राउन के रूप में और हाईएस्ट पीक ऑफ द टेंपल इज क्लसा उसको क्या बोल दिया क्लस ऊपर आप सब देख पा रहे हैं ये क्लश हो गया गया है है पीक पीक इसको बोला गया है। पीक में। एक बार इमेज पर नजर डालो और फिर देखो क्लियर हो जाएगा आप सबको तो अब ये देखोगे तो तीनों पॉइंट आप सबके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं अब ये वाला तो हो गया आपका ग्रभग्रह यहाँ पे ये इतना जो आप सब यहां पे देखेंगे ना दोस्तों ये ग्रभ ग्रह हो गया जहां पे मंदिर हो गया है उसके बाद हम लोग पढ़ के आते मंडप पढ़ के आते हो आते हो कि नहीं आते हो मंडप बिल्कुल सर पढ़ के आते हैं और मंडप जो है एक ब्राह्मे का स्ट्रक्चर हो गया है जो अग्रभ ग्रह तक जाता है और उन दोनों के बीच में जो अंतराल हो गया है उसको क्या बोला जाता है अंतराला हो गया है इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे ये अंतराला हो गया ध्यान से समझना सुनना इन ऐसे चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद देखो ये वो प्लेटफॉर्म हो गया है जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है जहां पे क्या किया जाता है जग, जगती, मतलब जगराता किया जाता है आप ऐसा समझ लीजिएगा जगराता करने का मतलब हो गया भजन कीर्तन किए जाते हैं जगराते में ऐसा ही होता है तो उसका नाम क्या हो गया उस प्लेटफॉर्म को जगती प्लेटफॉर्म कहते हैं उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं जगती प्लेटफॉर्म उसका नाम आ गया है यहां पे जगती प्लेटफॉर्म ध्यान रखोगे और फिर मंडप हो गया है आपका ये हॉल हो गया है मंडप मंडप में हम लोग तीन ये पढ़ के आते हैं महामंडप हो गया है आपका ठीक है बाकी सब चीजें आप सबको यहां से क्लियर हो गई होंगी मेन जो पॉइंट था जो आप सबको ध्यान रखना था ग्रभ ग्रह क्या हो गया जहां पे मूर्तियां रखी जाती हैं जहां पे पुजारी और जो भी बड़े लोग जो जो पहले क्वेश्चन जो पूछा गया तो सीक्वेंस में बात करूं तो आप पूछा था राजा महाराजा जो है अपने परिवार के साथ पूजा कहां करते हैं तो ग्रभग्रह में करते हैं गर्भ ग्रह की ठीक ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनी होती है बैलुमा जो स्ट्रक्चर बनी होती है घंटे के आकार की उसको क्या कहते हैं शिखर कहते हैं शिखर के ठीक ऊपर एक डिस्क सी लगी होती है उसको अमलका कहते हैं अमलका का जो क्राउन है और जो पूरे मंदिर का हाईएस्ट पीक हो गया है उसको कलश कहते हैं क्या कहते हैं उसको कलश के नाम से इसको जाना जाता है अब जो मंडप है वो क्या होता है ब्राह्मिक की स्ट्रक्चर होती है जो गर्भ गर्भग्रह तक जाता है गोपुरम जो है वो सजा हुआ प्रवेश द्वार होता है तो उस ब्रह्म जो मंडप है और जो गर्भ गर्भग्रह बीच वाला जो अंतराला हो गया उसी को क्या नाम दे दिया गया अंतराला नाम उसको दे दिया गया जगती जहां पे क्या किया जाता है जगराता किया जाता है समझा कैसे हम लोगों ने इसको हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश करी कि यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं वो प्लेटफॉर्म जो जमीन से ऊंचा उठा हुआ है उसको क्या कह दिया उसको जगती का नाम दे दिया गया है ठीक है दोस्तों अब हम सब अपने वापस पॉइंट पे आते हैं और वहां से जो अलग नागर शैली से टाइप्स हैं इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखिए ध्यान से सुनिए समझिएगा यहां तक नागर शैली इतना कुछ हम लोग इतना अच्छे से यहां से पढ़ जाएंगे कि यहां से ये पॉइंट आप सबके स्किप नहीं होंगे फिर मंदिर की बात है वो हम बहुत आसानी से याद भी कर लेंगे कि कौन सा मंदिर कहां का हो गया है ठीक है ना चलो देखो नागर मंदिर शैली की वास्तुकला को शिखर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है पहले देखोगे तो रेखा प्रसाद या लेटिना हो गया है उसके बाद वल्लभी हो गया है और एक फामसाना हो गया है रेखा प्रसाद या लेटिना हो गया है फर्स्ट वन वल्लभ भी सेकेंड और फामसाना थर्ड वन इंग्लिश में देखिएगा नागरा टेंपल स्टाइल आर्किटेक्चर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ट ऑन द सिखरा फर्स्ट वन देखोगे रेखा प्रसाद और लेटिना सेकेंड वल्लभी और थर्ड वन देखोगे तो फमसाना ये जो है हमारे तीन किसके हिसाब से बताए हैं ये आपके नागर मंदिर शैली के शिखर के हिसाब से शिखर ध्यान रखोगे चलो आगे बढ़ो और फिर इनके बारे में हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं सबसे पहला रेखा प्रसाद या लेटिना नागर शैली में रेखा प्रसाद या लेटिना फर्स्ट वन तो यही टास्क है ना कंप्लीट नागर शैली को पढ़ लें आर्किटेक्चर के स्टाइल को सभी टर्मिनोलॉजी को पढ़ लें देन उसके स्टाइल में बने मंदिरों को पढ़ लेते हैं देखिए रेखा प्रसाद या लेटिना इनकी नींव चौकोर है और दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु की ओर झुकी हुई है गर्भग्रह ज्यादातर लेटिना किस्मों में ही पाया जाता है गर्भग्रह जो है वो लेटिना किस्मों में ही पाया जाता है लेटिना संरचनाएं और जटिल हो गई थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एकल टावर के बजाय कई छोटे टावरों की जोड़ में बनी होती हैं। एक ही टावर कई बार देखें जैसे हमारे गांव में एक सिंपल शिखर होता है अब ये क्या होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे शिखर जो यहाँ पे आसपास मंदिर में बने होते हैं नेकल टावर के बजाय जो है ये कई छोटे टावरों की जोड़ से बनी गई होती है इंग्लिश में देखिएगा रेखा प्रसाद या लेटिन, लेटिना द फाउंडेशन इज स्क्र रेखा प्रसाद में जो फाउंडेशन जो बेस होता है वो कैसा होता है चकोर यानी स्क्र बेस होता है एंड द वॉल्स कर्व और दीवारें जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है कर्व होती है टुअर्ड ए पॉइंट एट द टॉप ऊपर से किसी एक पॉइंट पर द ग्रभ ग्रह इज मोस्टली फाउंड इन लेटिना वेराइटीज जो ग्रभ ग्रह वो किस वेरायटी में लेटिना वेराइटी में ही ज्यादातर पाया जाता है लेटिना स्ट्रक्चर इवोल्ड इंटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है आजकल सिंगल टावर डिजाइन ट्रांसफॉर्म्ड इंटू मल्टीपल स्मॉलर टाउन एक ही टावर की बजाय बहुत छोटे छोटे आप सबको टावर जो है वो दिखाई देंगे तो ये था रेखा प्रसाद या लेटिना क्या खास बात हमने इसकी पढ़ी पहला तो हमने इस पर यह जानने की कोशिश कर ली इसके फाउंडेशन कैसी होती है स्केयर फाउंडेशन होती है दूसरा जो वॉल होती है वो एक पॉइंट के ऊपर कर्व होती है आगे की तरफ झुकी होती है तीसरा और जो गर्भ ग्रह वो ज्यादातर लेटिना स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है आगे बढ़ेंगे और एक सिंगल टावर ना होने की बजाय मल्टीपल टावर में विभाजित होते हैं नेक्स्ट देखिएगा यहां से हम लोग रेखा प्रसाद को देख पा रहे हो आप सब इमेज के जरिए रेखा प्रसाद और लेटिना ये देखा प्रसाद और लेटिना के एक सिंगल स्ट्रक्चर जो टावर के रूप में आप सबको यहाँ पे दिखाया गया है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद रेखा प्रसाद है लेटिना को और आगे क्लासीफाई करते हैं और पढ़ते हैं टावरों को एकत्रित और मजबूत ढंग से बनाया गया जो उभरे हुए पहाड़ों की तरह दिखते हैं जैसा पीछे हमने इमेज में देखा सबसे बड़ा टावर केंद्र में और गर्भगृह के ऊपर ही होता है सबसे बड़े वाला जो टावर है वो किसके ऊपर होता है ग्रभग्रह जिसमें मूर्तियां रखी जाती हैं उसके ठीक ऊपर और उसी पे ही सबसे ऊंची चोटी जो होती है उसको क्या नाम देते क्लश का नाम देते देते हैं हैं का आगे उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर और मरखेरा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है रेखा प्रसाद शिकारा शैली में किया गया है तो ये कुछ मंदिर के एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जिसमें किया गया है इन दोनों एग्जाम्पल को आप सबको ध्यान रख लेना है मडखेड़ा टेकमगढ़ में है मध्य प्रदेश का यह एक मंदिर और दूसरा जो है आपका जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का दोनों ही जो मंदिर है वो रेखा प्रसाद या लेटिना या तो नागर शैली तो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है ही उसके अलावा अगर आगे शिखर के हिसाब से जो बांटा गया उसमें रेखा प्रसाद या लेटिना का नाम ध्यान रखोगे यहां से इंग्लिश में पढ़ेंगे टावर्स वर क्लोजली पैक्ड टूगेदर रिजेंबलिंग राइजिंग माउंटेन्स द लार्जेस्ट टावर रिमेन इन द सेंटर एंड अबोदा द ग्रभगृह तो जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो टावर होता है सामान्य बिल्कुल सेंटर में या फिर गर्भ ग्रह के ठीक ऊपर वाला ही होता है श्री जगन्नाथ टेम्पल कहां का उड़ीसा का एंड सन टेम्पल एट मडखेड़ा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द रेखा प्रसाद शेखर स्टाइल तो ये दोनों ही ध्यान रखना है पहला वाला है आपका जगन्नाथ टेम्पल हो गया है उड़ीसा का और मडखेड़ा मंदिर हो गया है आपका मध्य प्रदेश का दोनों ही जो है किस प्रकार के शैली के एग्जाम्पल आते हैं तो ये आपके रेखा प्रसाद या लेटना शैली के एग्जाम्पल आते हैं आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो आप सब यहां से देख सकते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का हो गया और ये आपका जो है मठखेड़ा का सन टेम्पल हो गया है ध्यान रखिएगा मोडेरा का सन टेम्पल नहीं बता रहे हैं यहां पे कि मोडेरा का सूर्य मंदिर हो गया ठीक है ये मडखेड़ा का सन टेम्पल हो गया है नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा वल्लभी स्टाइल हम लोग पढ़ के आते हैं शिखर के हिसाब से नागर शैली में इस शैली के मंदिर आकार में आयताकार होते हैं अच्छा जब हम लोग लेटिना वाले पढ़ के आए थे रेखा प्रसाद लेटिना पढ़ के थे उसमें तो जो बेस फाउंडेशन बताया था हमें कैसा बताया था चकोर और स्केयर टाइप हमें बताया था इस शैली के जो मंदिर हो गए वो आकार में कैसे हो गए आयताकार और इनकी छत जो है बैरल वोल्टेड होती है इंग्लिश में देखोगे टेम्पल्स ऑफ दिस स्टाइल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड है वोल्टेड रूफ यहां से पढ़ेंगे वैगन वोल्ट वाली इमारतें संरचनाओं का नाम वोल्टेड चैम्बर सीलिंग से मिलता जुलता हो गया है वैगन वोल्टेड बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स गेट देयर नेम फ्रॉम द वॉल्टेड चैंबर्स सीलिंग्स उसके बाद तेली का मंदिर ना नौवीं शताब्दी का एक ग्वालियर मंदिर इसी शैली में बनाया गया है तेली का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गया है दोस्तों एक साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे तो नागर शैली के जो आपके मंदिरों के जो एग्जाम्पल हैं, वो डाटा आप सबका यहां से कंप्लीट हो जाएगा ठीक है लेटिना वाले जैसे की आपका टीकमगढ़ मध्य प्रदेश वाला हो गया है आपका इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा और उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया है पेपर में देखिए पूछेगा आप सबसे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो नागर शैली से बना हुआ है आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद यहां से ये ध्यान रखेंगे वाले के जो है आकार कैसा होता है आयताकार और छत जो है बैरल वॉल्टेड होती है नेक्स्ट पे आ जाओ इसमें यहां से जो आप वल्लभी टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया देख सकते हैं वल्लभी मंदिर हो गया है आपका नॉर्थ इंडिया में चलो नेक्स्ट आओ इसके बाद अब आता है आपका पामसाना ये कई स्लैब वाली छतें जो इमारत के मध्य बिंदु के ऊपर एक बिंदु पर एक पिरामिड बैठक की तरह एक सीधी ढलान पर एक क्रमिक ढलान में ऊपर की ओर चढ़ती है छोटी लेकिन व्यापक संरचना होती है कोणार्क का मंदिर जगनमोहन के निर्माण में फामसाना पद्वती का प्रयोग जो है वो किया गया है द फामसाना मेथड इज यूज टू बिल्ड द जगनमोहन ऑफ कोणार्क टेम्पल तो कोणार्क का मंदिर इसी शैली का एग्जाम्पल हो गया है कोणार्क नागर शैली के एग्जाम्पल से आप सबको पूछेगा रोफ विद मल्टीपल दैट अपवर्ड इन ए ए ए ग्रेजुअल स्लोप ऑन स्ट्रेट लाइक पिरामिड मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट अबो द मिड पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग आर शोर्टर बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो इसी शैली की हो गई है इनको ध्यान रखेंगे हम चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग यहां से जो है फमसाना स्टाइल का आप लोग टेम्पल देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से जो है आपके सीढ़ियों से हिसाब से बना होता है चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ इसमें नेक्स्ट है नागर शैली वास्तुकला में हम लोग एक एग्जांपल आप सब देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर पूछेगा कहाँ पे है किस राज्य में सबसे पहला और सबसे ईजिएस्ट पॉइंट जो है किसी पेपर में पूछा जाने वाला तो वो यही हो गया है कहा में है मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो के मंदिर अगर आप सबसे पूछे किसने बनवाए थे तो क्या आंसर करना है चंदेलों ने बनवाए थे किसने चंदेलों ने यानी चंदेल शासकों ने बनवाए थे ठीक है ये ध्यान रखोगे रूलर खजुराहो में और जाने वाले मध्यकालीन मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर हो गया है तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर कौन सा है कंदरिया महादेव मंदिर राज्य का नाम मध्य प्रदेश कहाँ पे है खजुराहो में है इसका अर्थ है गुफा के महान देवता चंदेल राजवंश के राजा धनकदेव ने एक से एक इसी के बीच जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया याद रखने वाला है आपका धनकदेव 1986 में इसे यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 1986 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो इसको शामिल कर लिया गया था इंटेंजिबल वाली अलग है ध्यान रखना है यहां से पढ़ेंगे कंदरिया महादेव टेंपल इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेंपल इन द मेडिवल टेंपल ग्रुप फाउंड एट खजुरा इन मध्य प्रदेश राज्य का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश इट मीनस द ग्रेट गोड ऑफ द केव द ग्रेट गोड ऑफ केव किंग धनकदेव बनवाने वाले शासक का नाम यहां पर बहुत अच्छे से आप सबको ध्यान रखना है धनकदेव फॉम फ्रॉम द चंदेल डायनेस्टी यानी चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है धनक देव के द्वारा 1025 से लेकर एक हजार ईस्वी तक जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था इन 1986 डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द टेंपल बिटवीन 1025 टू 105 1050 एडी इन 1986 इट वाज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को 1986 में जो है यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो इसे घोषित किया गया था यहां से हम सब ने जाना कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पहला पॉइंट जो है कंदरिया महादेव मंदिर का क्या कि भारत के किस राज्य में है धनानसुर होगा मध्य प्रदेश में दूसरा पॉइंट हो गया मध्यकालीन मंदिरों के समूह जितने भी मध्यकालीन भारत के मंदिर हो गए हैं मध्यकालीन मंदिर उन सब में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ऑर्नेट अलंकृत मंदिर जो है तो कंदरिया महादेव मंदिर है तीसरा इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया या अगर आप सबसे राजा का नाम पूछेगा तो धनकदेव राजा है चंदेल वंश का एक हजार पच्चीस ईस्वी से लेकर एक हजार पचास ईस्वी तक जो है खज कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाते हैं और चौथा पॉइंट है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया तो 1986 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है कंदरिया महादेव मंदिर को शामिल किया गया ये चार बड़े खास महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सबको यहां से ध्यान रख लेने हैं और जो आप सबको यहाँ पे नंबर दिलवा सकते हैं वो यही है इनको जरूर ध्यान रखिएगा नागर शैली के एग्जाम्पल में हम लोग इनको पढ़ के आ रहे हैं आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे महादेव मंदिर जो एलोरा का पढ़ के आए थे राष्ट्रकूटक आते हैं राष्ट्रकूट शासक कृष्ण आते कि नहीं महादेव मंदिर भी है तो ऐसे करके काफी सारे मंदिर है शिखर क्या है मुझे अब ऐसा लगता है कि जिन्होंने बहुत ध्यान से सीरियसली अभी तक की क्लास को देखा होगा जरा बताओ मुझे यहां तक की चीजें आप सबको समझ में आई हैं या नहीं है क्लियर है ना ये वाला ये जो टर्मिनोलॉजी हम सब बात कर रहे हैं सारी आप सबको क्लियर होंगी आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है, है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसे? इसे ब्लैक भी कहा जाता है। कहां पे स्थित है उड़ीसा के पूरे शहर में स्थित है इसका निर्माण तेरहवीं शताब्दी में पूर्वी किस वंश के शासक गंगा वंश के शासक नाम नरसिमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था 1250 सौ में जो है निर्माण करवाया गया ये वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला की जो है ओडिशा शैली का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है कलिंग शैली कह सकते हैं आप इसमें या फिर आप इसे जो है ओडिशा शैली का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कलिंग ठीक है इसे किस नाम से भी जाना जाता है इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है या इंग्लिश में पढ़ेंगे सन टेम्पल कुछ चार मैंने आप सबसे कहा हमेशा कि चार सूर्य मंदिर हैं उनको बहुत अच्छे से आप सब ध्यान रख लीजिएगा ये बेहद बेहद घास है कोणार्क का सन टेम्पल हो गया है उड़ीसा में मोडेरा का सन टेम्पल हो गया गुजरात में और मार्थ का सन टेम्पल हो गया आपका कहाँ पे जम्मू कश्मीर में ललितादित्य ने बनवाया था ये ऐसे आप सबको जो है ध्यान जरूर रख लेने भाई यहां से पढ़ेंगे कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पुरी सिटी इन उड़ीसा इट वॉज बिल्ट इन ट्वेल्व फिफ्टी सी बाई द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी द रूलर इन दर्टीन सेंचुरी नाम है नरसिम्हा फर्स्ट किसने बनवाया था नरसिमा देव फर्स्ट ने इट इज ए क्लासिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर इट इज ब्लैक पैगोडा किस नाम से भी इसको जाना जाता है तो ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग ये खास पॉइंट है जिसके नाम से पेपर में हम सबसे क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट देखिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर इस मंदिर के पीछे मुख्य वास्तुकला बिशु महाराणा यानी मुख्य जो वास्तुकार थे इस मंदिर के कौन थे विश्व महाराणा वास्तुकार हुए इसे कोंडालाइट चट्टानों से बनाया गया था इसका निर्माण चंद्रभागा नदी के पास किया गया था और 1984 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में इसे यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था द 1986 में किस वंश के शासकों ने बनवाया था कर देना है किसने चंदेल वंश के शासकों ने इधर अगर हम सबसे पूछेगा किसने बनवाया था तो गंगा वंश के पूर्वी गंगा वंश के शासकों ने बनवाया था वहां पे शासक का नाम हम सबसे पूछा शासक का नाम अगर आप सबसे पूछे कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किसने बनाया था जरा बताओ कमेंट करके और यहां गंग वंश के शासक किसने बनाया था नरसिंह देव जो है फर्स्ट ने जो है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने ध्यान रखेंगे आप सब दोनों का अलग अलग पॉइंट से ध्यान रखेंगे आगे यहां पे इंग्लिश में देखिएगा इसके बाद द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस टेम्पल वॉज बिशु महराणा इट वॉज बिल्ट विद किसके द्वारा खोडा लाइट रॉक्स इट वॉज कंस्ट्रक्टेड नियर द नदी चंद्रभागा रिवर एंड रिकॉर्डेड एज हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन नाइनटीन एटी फोर नदी का नाम चंद्रभागा पेपर में आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे तो बिश् महाराणा प्रमुख वास्तुकार थे इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया दैन आंसर करेंगे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था किस वंश के शासकों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो फिर आप सब यहां से क्या आंसर कर दें गंगा वंश के पूर्वी गंगा वंश के शासकों के द्वारा नाम नरसिमदेव फर्स्ट के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट तो आप कहोगे इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद दोनों हमारे मंदिर बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब तक हम नागर शैली में क्या क्या मंदिर पढ़ लिए हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले जो है हम लोग एक तो पढ़े हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़े हैं दूसरा जो है हम लोग एक सन टेम्पल पढ़ के हैं टीकमगढ़ वाला वो कहाँ पे मध्य प्रदेश में पढ़ के आए हैं एक हम लोग जो है जगन्नाथ मंदिर पढ़ के हैं उड़ीसा में पुरी में एक हम लोग जो है यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर पढ़ के खजुराहो मध्य प्रदेश में पढ़े हैं नेक्स्ट जो है आयोजन किया जाता है कोणार्क उत्सव भी कह देता है कोणार्क फेस्टिवल लेके भी पूछ सकता है तो वो तो इसके नाम से इसका आंसर हो जाता है राज्य का नाम पूछेगा तो उड़ीसा करेंगे आगे बढ़ेंगे इसके बाद नागर शैली में खजुराहो समूह स्मारक गरशैली छतरपुर जिले मध्य प्रदेश भारत में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह हो गया है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है 950 और 1050 हजार ईस्वी के बीच चंदेल वंश के जो है चंदेल वंश के मतलब उसके उत्तम के प्रतीक इसको बताया गया है चंदेल राजवंश एक केंद्रीय भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन करा था मध्य प्रदेश में शासन किया था इंग्लिश में देखोगे खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट स्टाइल कौन सा इनका नागर स्टाइल है नागर स्टाइल इज ए ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल एंड जैन टेम्पल तो पेपर में खजुराहो मंदिर समूह जो है मोन्यूमेंट जो है वो किस प्रकार के मंदिर हैं तो हिंदू और जैन ध्यान रखेंगे टेम्पल इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडिया दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट

और इसको इनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है खजुराहो समूह स्मारक पेपर में आए किस शैली में है तो खजुराहो के साथ तो आप नागर शैली का नाम जोड़ देंगे यहां से देखेंगे खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं नेक्स्ट देखिएगा श्री राधा मदन मोहन मंदिर मोहन राधा मोहन मंदिर आया तो नाम राज्य का क्या होगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कहां पे है ये वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर हो गया है इसका पुनर्निर्माण श्री सनातन गोस्वामी ने पंद्रह ईस्वी में करवाया था मंदिर के पीठासीन जो है देवता मदन मोहन है जो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जो मंदिर की केंद्रीय वेदी में अपनी पत्नी राधा और ललिता गोपी के दोनों ओर मौजूद हैं। तो मदन मोहन मंदिर हो गया है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है इंग्लिश में देखिए गए यहां से श्री राधा मदन मोहन टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन वरिंदावन उत्तर प्रदेश इट वॉज रीबिल्ड बाई श्री सनातन गोस्वामीन एटी एडी तो फिर से पुनर्निर्माण जो है सनातन गोस्वामी ने जो है पंद्रह सो अस्सी में करवाया था द प्रसाइडिंग ऑफ द टेम्पल इज मदन मोहन ए फॉर्म ऑफ द गॉड कृष्णा हु इज प्रेजेंट इन देंट्रल एल्टर ऑफ द टेम्पल विद हिज़ सर्ट गोडेस राधा एंड ललिता गोपी ऑन आईदर साइड ऑफ हिम तो दोनों और जो है वो दिखाए गए हैं यानी मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित एक हिंदू मंदिर हो गया है सनातन गोस्वामी ने 1580 में जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था राधा मोहन मंदिर यह वास्तुकला की किस शैली से बना हुआ है तो नागर शैली में इसको बनवाया गया था यह किस नदी के किनारे स्थित है यमुना नदी के किनारे स्थित है चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर राधा मदन मोहन मंदिर के मूल विग्रह वर्तमान में राजस्थान के करौली के मदन मोहन मंदिर में भी स्थापित है तो जो मूल विग्रह वो कहां पे स्थापित है करौली राजस्थान में श्री <laughs> राधा मदन मोहन टेम्पल लिखिएगा इट इज बिल्ट इन नागर स्टाइल ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब नागर स्टाइल के आप सबसे एग्जाम्पल पूछेगा मतलब क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है इसको तो पूरा करने के बाद यहाँ से आप सबके कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है अगर आप सब ये समझते हैं केवल इतना पूछा जाता है कि लिंगेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित हो गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे हो गया है खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हो गए हैं अगर इतना लेकिन उससे भी ज्यादा आप देखा आप टीस बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्किटेक्चर, इट इज बिल्ड इन द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना द राधा मदन मोहन टेम्पल आर प्रेजेंटली इंस्टॉल्ड इन मदन मोहन टेम्पल ऑफ करौली राजस्थान में जो है अभी जो ओरिजिनल इसके जो है आ, लिखता है ना कि मदन मोहन आर श्री ओरिजिनल डेटिज ऑफ श्री राधा मदन मोहन टेम्पल आर प्रेजेंटली कहा इंस्टॉल कर दिया गया है द तो करोली राजस्थान में जो इनको स्थापित किया गया है यहां से जो आप श्री राधा मदन मोहन मंदिर जो है एक इमेज में देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है हमारा मारकंडेश्वर मंदिर कहां पे है मेरे दोस्तों इस मां से ही ध्यान रखोगे ये हो गया है महाराष्ट्र में मारकंडेश्वर मंदिर कहां पे है महाराष्ट्र में रिवाइज करो पीछे वाले अगर आप सबसे पूछे हो तो कहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है पूरी ओडिशा में उसके बाद जो है सन टेम्पल टेकमगढ़ का कहाँ पे हो गया है ये मध्य प्रदेश में हो गया है उसके बाद पढ़ के आए थे कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे हो गया आपका ये उड़ीसा में हो गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे हो गया ये मध्य प्रदेश में हो गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के स्मारक कहाँ पे हो गए तो ये भी मध्य प्रदेश में हो गए खजुराहो के स्मारक भी और राधा मदन मोहन मंदिर जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में और ओरिजिनली जो अब इसको पे इंस्टॉल करा गया तो करौली राजस्थान में इंस्टॉल किया गया यहां से अब आता है मारकंडेश्वर मंदिर राज्य का नाम महाराष्ट्र <coughs> गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है वैन गंगा नदी के तट पर जो है स्थापित है चंद्रभागा नदी के नाम बताया था तो कोणार्क का सूर्य मंदिर था यमुना बताया था तो मदन मोहन मंदिर हो गया राधा मदन मोहन मंदिर हो गया और जबकि वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पे महाराष्ट्र में इसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है अब विदर्भ हम लोग जो पढ़ के आते हैं पढ़ के आते हैं विदर्भ पढ़ के आते हो दक्षिण महाराष्ट्र में जो पठार है उसको क्या किस नाम से भी जाना जाता है तो विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से भी जाना दक्कन का पठार नहीं है महाराष्ट्र में दक्कन प्लेटू दक्कन जो प्लेट्यू है इसे महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है तो इसे विदर्भ के नाम से भी तो महाराष्ट्र से ध्यान रखोगे और विदर्भ का खजुराहो किसे कहा जाता है तो मार्कंडेश्वर मंदिर को कहा जाता है मारकंडेश्वर मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों के नागर समूह से संबंधित है तो मारकंडेश्वर मंदिर किस शैली से बना हुआ है तो उत्तर भारत की जो नागर शैली है उससे संबंधित हो गया है नागर मंदिर शैव वैष्णव और शाक्त मत के हैं किसमें में है शैव वैष्णव और शाक्त मत के हो गए हैं नागर मंदिर यहां से देखेंगे इसको हम लोग मारकंडेश्वर टेंपल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ वेन गंगा इन डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले में स्थापित हो गया जिला तो गढ़चिरौली हो गया कौन सा गढ़चिरौली ऑफ महाराष्ट्र है किस ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल पढ़ के आते हैं नागर द्रविड़ पंचायतन वैशर तो नागर में द नागर टेम्पल्स बिलोंग्स टू द शिवा शिव वैष्णवा एंड शाक्त फेथ तो किससे है शिव वैष्णव और शाक्त जो है इनसे संबंधित हो गया है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाओ जरा यहाँ से जो है आप सब इमेज पे भी देख सकते हैं मारकंडेश्वर टेम्पल कौन सा हो गया मारकंडेश्वर टेम्पल इसे से ध्यान रखोगे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों विदर्भ भी है क्या है महाराष्ट्र में विदर्भ तो इसे जो है किस नाम से भी जाना जाता है तो इसे जो है विदर्भ खजुराहो कहते हैं ठीक है यहाँ पे आप सब नाम से भी देखोगे विदर्भ का खजुराव कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मुक्तेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे मेरे दोस्तों धनाश्वर उड़ीसा में मुक्तेश्वर कहाँ पे है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में ये भी उड़ीसा में हो गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पे हो गया उड़ीसा में लिंगराज मंदिर भी आ गया आएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में हो गया उसको भी पढ़ेंगे मुक्तेश्वर ये भुवनेश्वर में स्थित शिव को समर्पित दसवीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है इसका अर्थ है स्वतंत्रता का देवता क्या मतलब हुआ स्वतंत्रता का देवता इसे किसने बनवाया तो इसे बनवाया था सोमवंशी राजवंश किसने मेरे दोस्तों ययाति प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था ययाति प्रथम ने निर्माण कराया था पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंहदेव फस्त ने जो है कौन सा मंदिर बनवाया था जरा कमेंट करो सोचो कौन किसने बनवाया था ठीक है और गंगवंश के शासक ने जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था गंगव अच्छा, पूर्वी गंगवंश हो गया वाला तो आपको पता ही है पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिमदेव जो किस मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने जो है मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा का बनवाया राज्य सरकार का पर्यटन विभाग मंदिर परिषद में मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव हो। ये देखो ये नृत्य महोत्सव भी हम सबसे पूछता है फेस्टिवल आर्ट में पढ़ के आते हैं हम लोग ये भी इंपॉर्टेंट है क्या लिखा मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव मैंने कहा ना बहुत सारे तो ऐसे हैं जो सिंपल हम सबसे नाम से पूछ लेता है जैसे कोणार्क महोत्सव हो गया जैसे मोडेरा महोत्सव हो गया जैसे रण महोत्सव हो गया है ऐसे है ना कच्छ कारण हो गया है तो तीन दिवसीय वार्षिक नृत्य समारोह का जो आयोजन यहाँ पे पर्यटन विभाग की तरफ से किया जाता है यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे मुक्तेश्वर टेम्पल इज ए टेंथ सेंचुरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा लोकेटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा कहां पे हो गया है मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में इट मीन लॉर्ड ऑफ फ्रीडम मुक्तेश्वर मुक्ति मिलती है ना तो क्या बताया गया लॉर्ड ऑफ फ्रीडम कहा गया इट वॉज बिल्ट बाय किंग ययाति फर्स्ट ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी तो सोमवंश के शासक ययाति फर्स्ट के द्वारा जो इसे बनवाया गया द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ए थ्री डे इयरली डांस फंक्शन कार्ड मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल ऑन द टेम्पल परमिशिज तो मंदिर में जो है कौन सा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है जो एक वार्षिक तीन दिवसीय समारोह हो गया है समझ पाए हैं तो ये था हमारा मुक्तेश्वर टेंपल टेंथ सेंचुरी में इसको बनवाया गया था किसके द्वारा ययाति फर्स्ट के द्वारा कौन से वंश का शासक था तो सोम वंश का शासक था ययाति फर्स्ट ने इसे बनवाया था कहां पे है ये तो सर ये है भुवनेश्वर में राज्य उड़ीसा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट को पढ़ो यहां से ये हमारे लिए इमेज हो गई है मुक्तेश्वर मंदिर की ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नागर शैली की वास्तुकला में निर्मित प्रमुख मंदिर केदारनाथ मंदिर शिवजी को समर्पित है सब जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में शिवजी को समर्पित है ये मंदिर भारत के किस राज्य में है उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है मंदाकिनी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है मंदिर केवल अप्रैल अक्षय तृतीया और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा सद पूर्णिमा के बीच आम जनता के लिए खुला रहता है इसका निर्माण आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था किसने आदि शंकराचार्य ने और ये भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का मंदिर राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया है किसने निर्माण करवाया था आदि शंकराचार्य निर्माण करवाया था किसको समर्पित है बताने की आवश्यकता नहीं आप सब जानते हैं ये भगवान महादेव शिव जी को समर्पित है और अप्रैल और नवंबर के महीने में आम जनता के लिए इसको खोला जाता है इंग्लिश में यहाँ से देखोगे केदारनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा टेंटेड ऑन द गढ़ हिमालय रेंज नियर दिन ऑफ उत्तराखंड में उत्तराखंड में दें ओपन टू जनरल पब्लिक ओनली बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड नवंबर अप्रैल में अक्षय तृतीया एंड नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा इट वॉज बिल्ट इन देंचुरी एडी बाई आदिशंकराचार्य आठवीं सदी में जो है किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया, तो करवाया गया था तो आदि शंकराचार्य के द्वारा आठवीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया एंड इज वन ऑफ द ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंग इन इंडिया भारत में जो है बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है इस मंदिर को माना गया है ध्यान रखेंगे केदारनाथ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर टेम्पल शैली में आप इसको ध्यान रखेंगे आगे बढ़ो फिर इसके बाद यहां से आप केदारनाथ मंदिर को देख सकते हो और आई होप आप सबने पहले भी देखा होगा है कि नहीं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा आठवीं शताब्दी में जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था अब आता है हमारा द्रविड़ या दक्षिण भारत की वास्तुकला दक्षिण भारत की वास्तुकला एक बार सब पीछे वालों को रिवाइज करें मन में उनके बारे में ध्यान रखें कि कौन से कौन से मंदिर हो गए हैं हमारे तो आप देखेंगे सबसे पहले जितने हम लोगों ने पढ़े हैं ना यहाँ से एक बार इंपॉर्टेंट मंदिर फटाफट से नजर डाल लीजिएगा हमने कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पढ़ा है कंदरिया महादेव मंदिर पढ़ के आते हैं ये भारत के किस राज्य में हो गए हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में हो गए है नागर शैली में कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ के आते हैं किस में हो गया उड़ीसा में हो गया है ये उड़ीसा में खजुराहो के मंदिर या खजुराहो के मोन्यूमेंट्स पढ़ के आते हैं तो भारत के किस राज्य में है ये भी मध्य प्रदेश में हो गए हैं श्री राधा मोहन मंदिर पढ़ के आते हो यूपी में है और यूपी में कहाँ पे वृंदावन में है यूपी में कहां पे दोस्तों ये वृंदावन में है और यहां से इनको जो है कहां पे स्थापित किया गया था करोली करोली राजस्थान में उसके बाद आपका मारकंडेश्वर टेम्पल ये कहां पे हो गया ये हो गया महाराष्ट्र में मारकंडेश्वर टेम्पल कहां पे दोस्तों ये है महाराष्ट्र में और मुक्तेश्वर मंदिर है उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर भी कहां पे उड़ीसा में केदारनाथ कहां पे हो गया दोस्तों तो यह उत्तराखंड में तो कुछ इंपोर्टेंट आपके टेम्पल हो गए हैं जो भारत के किस शैली में निर्मित है तो नागर शैली में निर्मित हो गए हैं आगे बढ़ लेते हैं यहां से हम लोग फिर नेक्स्ट पे आप सब देखिएगा द्रविड़ मंदिर एक मिश्रित अब हम लोग जो पढ़ेंगे द्रविड़ दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है यहां से हम सब ने नागर के बारे में जाना अब हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में जानते हैं एक मिश्रित दीवार के भीतर घिरा हुआ सामने की दीवार के बीच एक प्रवेश द्वार जिसे क्या कहते हैं गोपुरम तो ये मैंने कहा था नॉर्थ इंडिया में जो है मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या नाम दिया गया इससे पेपर में क्वेश्चन आया नॉर्थ इंडिया में जो है मंदिर का प्रवेश द्वार नॉर्थ इंडिया में टेम्पल का जो प्रवेश हो गया है उसको क्या नाम दिया गया ये भैया हम सबसे एग्जाम में टीसीएस ने पूछ लिया है क्वेश्चन तो मैंने आप सबसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोपुरम पीछे भी आप सबसे कहा था यहाँ पे भी आप सबसे कह रहा हूँ इस, इसी नाम से पेपर में आता है तमिलनाडु में विमान के रूप में जाना जाने वाला मुख्य मंदिर टावर का आकार एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है जो उत्तर भारत के घुमावदार शिखर के बजाय ज्यामितीय रूप से ऊपर उठता है एक बड़े जल जलाशय या मंदिर की टंकी परिसर के भीतर बंद होना आम बात है सामान्य जो है यहां पे आप सब यूं कह सकते हैं कि एक जल या जला जो बड़ा जलाशय भी जो है यहां पे मंदिरों में देखने को मिलता है द्राविडन टेम्पल इज इनक्लोज विद इन ए कंपाउंड वॉल द फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेट वे इन इट्स सेंटर विच इज नोन एज गोपुरम द मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा नॉर्थ इंडिया में सॉरी साउथ इंडिया में मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना गया तो आप सबका आंसर होना चाहिए गोपुरम तोरण करके भी ऑप्शन मिलेगा तोरण शादी समारोह में आप समझते हैं ना सजा हुआ प्रवेश द्वार कहते हैं द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नोन एज विमान तो जो मंदिर होते हैं मंदिर के जो मेन टेम्पल का जो टावर होता है उसे क्या नाम दिया गया है विमान अच्छा वहां लोग टावर को क्या पढ़ के आते थे शिखर पढ़ के आते थे शिखर के ऊपर जो डिस्क लगी होती थी और डिस्क के ऊपर जो उसका क्राउन होता था सबसे हाइएस्ट पीक पिनाकल जिसको बोला गया वो क्या होता था हमारा कलश होता था यहाँ पर जो मेन टावर है मंदिर का उसे किस नाम से जाना जाता है विमान कहाँ पे तमिलनाडु में इस लाइक ए स्टेप्ड पिरामिड स्टेप बाय स्टेप्ड पिरामिड हो गया है दैट राइज अप ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली जो ऊपर उठ रहा है रेदर देन कर्विंग शिखर ऐसे कर्व की फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है जो तो आप समझेंगे यहां की फॉर्म में नहीं स्टेप्ड हो गया स्टेप बाय स्टेप जैसे कि नॉर्थ इंडिया में होता था कर्व स्टाइल में वैसा नहीं है एक ज्योमेट्रिकल शेप है पिरामिड में जो है आ, स्टेपिंग के रूप में स्टेप टू स्टेप होगा इट इज कॉमन टू फाइंड ए लार्ज वाटर रिजर्वर वहां पे बहुत आम सामान्य है कि आपको मंदिर में एक जो जलाशय भी मिलेगा बड़ा और ए टेम्पल टैंक इन्क्लोज विद इन द कॉम्प्लेक्स यानी मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर ही आपको एक बड़ा जलाशय भी वहां पे देखने को मिलेगा और ये वहां पे बहुत कॉमन हो गया है आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट ये इस तरीके से आप सब देखेंगे तो ज्योमेट्रिकली पिरामिड के फॉर्म में आप सब जो है वहां से देखेंगे है कि नहीं मेरे दोस्तों तो ये द्रविड द्रविड़ा टेम्पल का एक एग्जाम्पल जो आप सब इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ से तो ये बहुत और इसके अंदर जो है लिखा है कि जलाशय कोना जो है आम है वहां पे आगे बढ़े फिर और जाने यहां से इस शैली के बारे में चलो और पढ़ते हैं देखिएगा द्रविड़ या दक्षिण भारत मंदिर शैली हो गई है सहायक मंदिर सब्सिडरी साइंस या तो मुख्य मंदिर के टावर के भीतर शामिल है या मुख्य मंदिर के बगल में अलग या अलग छोटे मंदिरों के रूप में स्थित है या तो जो मुख्य मंदिर उसी के अंदर है या अलग से भी उस मंदिर में वहां पे सहायक मंदिर जो है हो सकते हैं विमान की विशेषता शिखर विमना को पांचवी शताब्दी से दर्ज किया गया तो विमान बनाने की जो है यू समझ सकते कि पांचवी शताब्दी से इनकी उत्पत्ति हुई ऊपर पहाड़ जैसा शिखर है इसे उत्तर भारत में शिखर के नाम से जाना जाता है और इसका आकार घुमावदार है ये दक्षिण भारत में विमान के रूप में जाना जाता है और एक पिरामिड टावर जैसा दिखता है तो दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैलियों में जो है पिरामिड टावर दिखता है इसको किस नाम से जाना जाता है देन आंसर इसको विमान कहा जाता है क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों तो आप कहोगे सर इसे विमान कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे विमान के नाम से इसे जाना जाता है इंग्लिश में पढ़ेंगे यहां से सब्सिडरी साइंस आइदर टे विद इन द मेन टेम्पल टावर और लोकेटेड एज ए डिस्टिंग मुख्य है भैया इसको जरूर जरूर ध्यान रखना है विमाना फीचर शिखर या विमान दोनों है तो एक ही बट शिखर तो कहा जाता है उत्तर भारत की शैली में यानी नागर में और विमान कहा जाता है दक्षिण भारत की शैली में तो और जबकि शिखर जो होता है वो कर्व की शेप में होता है जबकि विमान जो पिरामिड की शेप में होता है ये बनाने की शुरुआत जो है हैज बीन रिकॉर्डेड सिंस द सेंचुरी यानी ऐसा जो बनाया जा रहा है ये कब से रिकॉर्ड किया गया तो फिफ्थ सेंचुरी सी में इसको रिकॉर्ड किया गया ऑन टॉप इज ए माउंटेन लाइक स्पायर ऊपर जो है एक माउंटेन की तरह है इट इज नोन एज अ शिखर इसको शिखर कहते हैं इन नॉर्थ इंडियन एंड हैज ए होता है साउथ इंडियन लाइक वाले यहाँ पे कंपेयर करके बताया जा रहा है कि भी देख लो विमान ये होता है शिखर यह होता है ताकि आप सबको कोई परेशानी यहाँ से ना हो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जान लेते हैं इनके बारे में अब देखिए मंदिरों की यह शैली मुख्य रूप से कहां पे दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु जैसे कि प्रदेश, प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना केरल पूछा और हमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन से जो राज्य है वो संगीत से संबंधित हैं या नहीं हैं तो ये पांच जो है आप सबको आंसर में मिलते हैं जो हैं किस संगीत से संबंधित बताए थे कर्नाटक म्यूजिक संगीत से मतलब सेम डिटो और साउथ इंडिया में मतलब कि ये तो म्यूजिक की भी खास बात थी ना कि कर्नाटक संगीत शैली भारत के दक्षिण भारत में है और जबकि हम लोग दूसरा हिंदुस्तानी संगीत शैली पढ़ के थे उत्तर भारत में तो कर्नाटक वाले जो दक्षिण भारत में पूछा था किन राज्यों में है तो मैंने आप सबसे कहा था पहला भरतनाट्यम राज्य का नाम तमिलनाडु दूसरा कथकली और मोहिनीअट्टम राज्य का नाम केरल तीसरा मैंने आप सबसे कहा था आ, जो आपका कर्नाटक नाम से ही आता है कर्नाटक और चौथा जो हो गया था आपका यहाँ पे हम लोग पढ़ के आते कुचीपुड़ी आंध्र प्रदेश का और आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना सेम पांचों आप सब जो है यहाँ पे भी देख पा रहे हैं यानी ये के यही जो है हमारे किस शैली में हो गए हैं द्रविड़ शैली में द्रविड़ शैली को ना याद करके क्या ऐसा पढ़ जाऊं कि दक्षिण भारत के आप कहोगे बिल्कुल सर क्योंकि कर्नाटक संगीत में भी यही लाइन बोलता हूं दक्षिण भारतीय तो दक्षिण भारतीय राज्य जो कर्नाटक संगीत से संबंधित हो दक्षिण भारतीय राज्य जो किससे संबंधित हो द्रविड़ शैली से संबंधित हो दो, दो दोनों में आंसर पूछेगा तो पांचों ही आप सबको आंसर यहाँ पे कर देने हैं चलिए अब यहां से है इनके ऊपर कलशम एक बलबनुमा बल बनुमा पत्थर होता है जिसको क्या नाम दे दिया कलशम और सबसे ऊपर हम लोग ये पढ़ के आते हैं जो नागर शैली में उसको कलश कहते हैं नटराज मंदिर जिसे चिदंबरम नटराज मंदिर या थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है मंदिर की शैली शे का एक एग्जाम्पल है नटराज टेम्पल ध्यान रखोगे नटराज टेम्पल जो है इसको चिदंबरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है और इसे थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है तो यह भी जो है आपका द्रविड़ शैली का एक एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश में पढ़ो जरा दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल इज मेनली फाउंड इन कहा साउथ इंडियन स्टेट फर्स्ट वन तमिलनाडु सेकेंड आंध्र प्रदेश थर्ड आंध्र प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना फोर्थ वन केरला और फिफ्थ वन कर्नाटक सेम ऑल फाइव आर इंक्लूडेड किसके अंदर भी शामिल है कर्नाटक कर्नाटक संगीत में भी या फिर कर्नाटक संगीत शैली में भी दीज आर टोप्ड बाई द कलशम इसके टॉप जो होता है उसको जो शिखर होता है उसको क्या नाम देते हैं कलश सबसे हाइएस्ट पिक को क्या कहते हैं उत्तर भारत की शैली में उसको क्या कहते हैं कलश और दक्षिण भारत में उसको क्या कहते हैं कलशम ए बल्बस स्टोन फिनियल नटराज टेम्पल ऑल्सो रेफर्ड एज चिदम्बरम नटराज टेम्पल और थिलाई नटराज टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल ये जो है हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इस शैली में या किस में द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ से साथ साथ पढ़ते चलेंगे नटराज शैल मंदिर द्रविड़ स्थापत्य मंदिरों में उप विभाग है अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं वहां पे भी नॉर्थ में पड़े थे साउथ में पढ़ेंगे थोड़ा समय जरूर लग सकता है गुड थिंग्स टेक सम टाइम अच्छी चीजें तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन जब हो गई तैयार ना तो फिंगर टिप्स आप कैसे और आप सब चीजें उनकी बता दोगे एक एक करके सारी लिख दोगे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे ध्यान से सुनना देखो द्रविड़ स्थापत्य मंदिरों में उप विभाग है क्या क्या पहला वर्गाकार जिसे आमतौर पर कूट या चतुरस कहा जाता है आयताकार जिसे शाला या आयताश्र कहा जाता है अंडाकार जैसे कि गज गजप्रष्ट या वर्तायत कहा जाता है वर्ताकार वर्ताकार हो गया अष्टकोण अष्टकोण वाला हो गया यहां पे देखोगे जरा आर सब देवीजन इन आर्किटेक्चर टेम्पल पहला स्केयर क्या नाम है यूजली कॉल्ड कोट और चतुराश्र चतुराश्रा भी कहा जाता है या कूट कहा जाता है रेक्टेंगुलर कॉल्ड शाला और एसरा एलिपिटिकल कॉल्ड एज गज पृष्ठ और वर्तायत्ता सर्कुलर भी हो गया है और ऑक्टागनल भी हो गया है। तो ये जो है किस मंदिर में अगर आप लोग आगे शैली में टाइप पढ़ के आते हो तो क्या कहोगे कि सर ये तो टाइप हमारे हो गए हैं किस में द्रविड़ या दक्षिण भारत की शैली में आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखो अब आता है नटराज मंदिर के बाद हमारा महाबलेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर दोस्तों महाबलेश्वर गोकर्ण महाबलेश्वर या गोकर्ण ये भारत के किस राज्य में है तो कर्नाटक में है उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में स्थित चौथी शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है मंदिर शास्त्रीय द्रविड़ स्थापत्य शैली बस ये तो लाइन उठानी है वैसे भी कर्नाटक नाम आते भी आप लोग ये कह सकते हैं कि भैया किस शैली में हो गया है ये तो ये द्रविड़ स्थापत्य कलाके के एग्जाम्पल है ये भगवान शिव का मंदिर है नाम तो हमें पता चल रहा था इसे से महाबलेश्वर क्या पॉइंट पढ़ा महाबलेश्वर कहां पे स्थित है गोकर्ण कर्नाटक में स्थापित एक हिंदू मंदिर हो गया है किस शैली का है तो कर्नाटक से द्रविड़ शैली का एक एग्जाम्पल हो गया मंदिर हो गया और किस भगवान को संबंधित है तो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है नाम महाबलेश्वर इससे पहले क्या पढ़ा चिदम्बरम नटराज मंदिर इंग्लिश में देखेंगे महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्ण इट इज ए फोर्थ सेंचुरी सी हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन गोकर्ण उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक स्टेट इन इंडिया द इज बिल्ट इन द क्लासिकल द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल किस स्टाइल में बना हुआ देखो ये लिखा हुआ इंग्लिश में द्रविडियन स्टाइल इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा ये किससे संबंधित हो गया भगवान शिव से संबंधित हो गया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर भगवान शिव को ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं महाबलेश्वर भी हो गया चिदंबरम नटराज मंदिर भी हो गया है यहां से जो है आप महाबलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक का इसकी इमेज को देख सकते हैं बस फर्क इतना है वहां पे एक नाम आता है शिखर नॉर्थ में शिखर में लिखता है कि वो भैया एक इस तरीके से कर्व शेप में होता है जबकि द्राविडियन शैली में पढ़ के आते हैं तो एक पिरामिडल शेप में होता है पिरामिडल शेप में पिरामिडल शेप में समझ पा रहे हैं मेरी बात को वो पिरामिडल शेप का एक एग्जाम्पल पढ़ के आते हैं हम लोग कहां पे दक्षिण भारत वाला द्राविड़ है, उत्तर भारत वाला नागर जो है कर्व में होता है यहां से देख लिया एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं कपालेश्वर मंदिर कपालेश्वर चिदंबरम, नटराज मंदिर पढ़ क्या है महाबलेश्वर पढ़ क्या है और नेक्स्ट आ रहा है हमारा कपालेश्वर मंदिर कपालेश्वर मंदिर किस राज्य में है तमिलनाडु और तमिलनाडु राज्य में कहाँ पे मायलापुर में स्थित है किसको समर्पित है भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है यह मंदिर किस शैली में है भैया तमिलनाडु है पहले कर्नाटक था तमिलनाडु है तो यह भी किस शैली में निर्मित है तो ये भी द्रविड़ शैली में निर्मित है सातवीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर को बनवाया गया था शिव को कपालेश्वर के रूप में पूजा जाता है और लिंगम द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है उनकी पत्नी पार्वती को कर्प कम्बल के रूप में भी दर्शाया गया है कर्प गंबल के रूप में देवी पार्वती को दर्शाया गया है यहां से पढ़ेंगे इंग्लिश में कपालेश्वर टेम्पल इट इज एन एंसियंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा ये तो नाम से ही पता चल रहा है लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन मायलापुर

उस रूप में भी उनको दर्शाया गया तो यहां से जो है आप इस मंदिर का आ, इमेज देख सकते हैं कपालेश्वर मंदिर चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहां से कपालेश्वर मंदिर के बाद जो है शोर मंदिर ये सारे के सारे मैंने कहा था ना कि देखो एक तो होता है कि अलग से सिर्फ इतना याद कर जाना कि ये मंदिर किस राज्य में मैं मानता हूं ये बात के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऐसे लेकिन

पल्लव वंश के शासकों के द्वारा नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय शोर मंदिर किसने बनवाए तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है शोर मंदिर तमिलनाडु में बनवाए गए एक व्यस्त बंदरगाह था ये ये मंदिर वास्तुकला की किस शैली का है तो सेम द्राविड़ शैली का एग्जाम्पल हो गया है हमारा शोर टेम्पल द शोर टेम्पल बिलोंग्स टू द एट ग्रेनाइट ब्लॉक्स किसके द्वारा बनाए गए हैं ग्रेनाइट ब्लॉक्स के यानी ग्रेनाइट तो हम सब पढ़ के आते हैं ना एक इग्निशियस यानी हिंदी में कहेंगे तो अग्ने चट्टानों का एग्जाम्पल है इग्निशियस रोक है इट इज लोकेटेड इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु महाबलीपुरम तमिलनाडु में है द साइट वॉज बिजी पोर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिंह वर्मन सेकेंड ऑफ द पल्लव डायनेस्टी तो ये एक व्यस्त बंदरगाह होता था किसके समय की बात है नरसिंह वर्मन द्वितीय तो उन्हीं के दौरान हम लोग पढ़ के आते हैं किसको भैया शोर टेम्पल इट इज द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और किस शैली का हो गया तो द्राविडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल हो गया मत मेन बात तो यही है आप सबको ध्यान रखना है सोर मंदिर पे है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है किस शैली का एग्जाम्पल है तमिलनाडु में है तो सर द्राविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल हो गया ओके और किसके समय की बात है जब महाबलीपुरम जो है वो एक आपका बिजिएस्ट पोर्ट था तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात है कौन से वंश के शासक है तो पल्लव वंश का शासक हो गया है आगे बढ़ते इसके बाद फिर नेक्स्ट यहां से आप जो है शोर टेम्पल की इमेज को देख सकते हैं चल ज्योमेट्रिकली पिरामिड हो गए हैं ज्योमेट्रिकली कर्व शेप में नहीं देख पा रहे होंगे आप लोग है कि नहीं और ऊपर सबसे हम लोग पढ़ के आते हैं जब वहां पे हम लोग कलश पढ़ के आते हैं कलशम पढ़ के आते हैं एरावतेश्वर टेम्पल क्या नाम है एरावतेश्वर टेम्पल कहाँ पे है एरावतेश्वर टेम्पल तमिलनाडु कहाँ पे है तंजावुर में तंजावुर के कुंभकोणम में स्थित एक द्रविड़ वास्तुकला का एग्जाम्पल है तो तमिलनाडु का नाम आते तो सबको पता चल ही रहा है कि द्राविड़ शैली का हो गया द्राविड बोले तो दक्षिण भारत दक्षिण भारत से संगीत को भी याद कर लो सेम पांच राज्यों के नाम के साथ उनके मंदिर वहां से याद होंगे इसका निर्माण चोल राजा राजा राज द्वित्य ने करवाया था तो चोलों के शासक हुए द्वितीय ने जो है बारहवीं शताब्दी में इसका मंदिर का एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था एरावतेश्वर मंदिर कहां पे है तमिलनाडु तमिलनाडु में तंजावुर तंजावुर पढ़ के हो गया कहां पे कुंभकोणम में स्थित है किस शैली का निर्मित है तो द्रविड़ शैली में निर्मित है किसने बनवाया था चोल वंश के शासकों ने और उसमें पूछेगा चोल वंश के शासकों में किसने तो राजा राज सेकंड ने जो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल कर लिया गया था? तो आंसर होगा 2004 और किस भगवान को समर्पित यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है यहां से पढ़ेंगे इंग्लिश में एरावतेश्वर टेम्पल इज ए हिंदू टेम्पल ऑफ द्राविड आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है तो द्राविडिन आर्किटेक्चर हो गया है लोकेटेड इन कुंभकोणम तंजावुर इन तमिलनाडु कुंभकोणम तंजावर तमिलनाडु में इट वॉज सेकंड किसके द्वारा कब की बात है 12th 2004. 2004 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इस मंदिर को शामिल किया गया था दो हजार चार में यूनेस्को में इट इज डेडिकेटेड टू शिवा और किस भगवान को समर्पित हो गया है तो यह भगवान शिव को समर्पित है किसको भैया भगवान शिव को समर्पित हो गया है आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा एरावतेश्वर मंदिर एरावतेश्वर मंदिर देख पा रहे हैं आप सब तो पिरामिडल शेप हो गया है स्ट्रक्चर है होता तो हम लोग नॉर्थ में पढ़ के आते हैं नेक्स्ट देखो इसके बाद एरावतेश्वर के बाद अगला मंदिर आता है हमारा ब्रदेश्वर मंदिर इसे किस नाम से भी जाना जाता है तो इसे राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है किसमें चोल स्थापत्य शैली में एक शिव हिंदू मंदिर हो गया है किसने बनवाया था चोल सम्राट राज, फर्स्ट ने अच्छा जी एक बार पीछे चलूं यहाँ क्या लिखा हुआ है राज, सेकंड लिखा हुआ है है कौन सा मंदिर है? एरावतेश्वर मंदिर एरावतेश्वर किसने बनवाया राजराजा द्वितीय ने बनवाया जबकि भ्रदेश्वर मंदिर जो किसने बनाया तो राज, राजा फर्स्ट ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था किस वंश से साथ संबंधित है तो राज, राजा फर्स्ट और राजराजा द्वितीय जो है ये चोल वंश से संबंधित है तमिलनाडु के ये भी कहां पे है? तंजावुर में नदी कौन सी है भरदेश्वर भरदेश्वर जो है आप भरदेश्वर समर्पित किसको है? भगवान शिव और शिव से शिव से गंगा गंगा है कावेरी दक्षिण भारत की गंगा पढ़ के आते हैं तो कावेरी नदी के दक्षिण पर स्थित है इसे दक्षिणा मेरू यानी दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है 1987 में इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था सही लिखा सर एक पढ़ के आते हैं हम लोग इरातेश्वर मंदिर राजराज सेकंड ने बनवाया था

यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इसको कब शामिल कर लिया गया था तो उन्नीस में और जबकि रातेश्वर मंदिर को कब शामिल कर लिया गया था तो 2004 में और यूनेस्को में और बरदेश्वर मंदिर को कब शामिल कर लिया गया था उन्नीस में जो इसे ब्रदेश्वर मंदिर को शामिल कर लिया गया था आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहां से आप सब जो है बरदेश्वर मंदिर की इमेज को देख सकते हैं देखिएगा बरदेश्वर मंदिर की इमेज आपको यहां पे दिखाई गई दोनों तमिलनाडु में रातेश्वर और ब्रदेश्वर नेक्स्ट पे आ जाओ फिर कैलाशनाथ मंदिर बहुत बढ़िया ये कहाँ है एलोरा एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र में चट्टानों को काट कर बनाया गया हिंदू मंदिर मंदिरों में सबसे बड़ा है मंदिरों की अधिकांश खुदाई का श्रेय जो है आमतौर पर आठवीं शताब्दी के नाम राष्ट्रकूट राजा और राष्ट्रकूट राजा कौन से हो गए कृष्ण प्रथम है ना एक तो ये पूछा जाता है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया तो राष्ट्रकूटों ने जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो किसने करवाया तो, तो राष्ट्रकूट मिलेंगे अगर वो रात पूछना चाहता, चाहता है तो सिंपल कृष्ण प्रथम ने से ये पल्लव और चालो के शैलियों को भी चिन्ह चिन दिखाता है कैलाश नाथ मंदिर कैलाश टेम्पल या कैलाश नाथ टेम्पल इज द लार्जेस्ट द रोक कट हिंदू टेम्पल रोक कट हिंदू टेम्पल सबसे बड़ा एलोरा केव एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र में

आगे बढ़ेंगे इसके बाद यहां से जो है आप सब इमेज भी देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर की चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आदि कुंभेश्वर कहाँ आता है हमारे पास आदि कुंभेश्वर भगवान शिव को समर्पित है आदि एक हिंदू मंदिर है भारत के किस राज्य में हो गया तमिलनाडु में हो गया है तंजावुर जिले के कुंभकोणम शहर में स्थापित है ज्यादातर आप सबने देखा मोस्टली तमिलनाडु में है हमारे जो दक्षिण वाले शैली के मिले हैं भगवान शिव को आदि कुंभेश्वर के रूप में पूजा जाता है और लिंगम द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है उनकी पत्नी पार्वती को जो है मंगलाम्बी गई अम्मन के रूप में दर्शाया गया है वर्तमान में चेन्नाई संरचना नौवीं शताब्दी में चोल राजवंश के द्वारा बनाई गई थी तो चेन्नाई जो संरचना यहाँ पे बताई गई है वो किसके द्वारा यानी मेजनरी चिन्नाई एक संरचना मेजनरी मतलब बनाने वाला मेजनरी कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट हो गया है बनाते सर मेजनरी कंकर पत्थरों का इस्तेमाल करके किया जाने वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको मेजनरी कह दिया तो चिनाई मतलब अलग से हम सामान्य चिनाई का काम कहते हैं ना वैसे तो चोल राजवंश के दौरान जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था आदि कुंभेश्वर मंदिर कहाँ पे है कुंभकोणम राज्य तमिलनाडु में हो गया है किस समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है भगवान शिव को आदि कुंभेश्वर के रूप में पूजा जाता है और लिंगम उनका प्रतिनिधित्व करता है और देवी पार्वती को जो है मंगलाम भी गई अम्मन के रूप में जो है दर्शाया गया है और मेजनरी का जो काम है वो नौवीं शताब्दी में चोल वंश के शासकों के दौरान जो वो किया गया था आदि कुंभेश्वर हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लोड सिवा लोकेटेड इन द टाउन ऑफ कुंभकोणम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इंडिया भारत में लोड सिवा इज वर्सिप्ड एज आदि कुंभेश्वर भगवान शिव को किस रूप में पूजा जाता है तो आदि कुंभेश्वर के रूप में एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लिंगम ट पार्वती इज डेपिक्टेड एज मंगलाम्भ अमन एंड द प्रेजेंट्रक्टेड वॉज बिल्ट ड्यूरिंग दोल डायने में जो है चोल वर्ष के शासन के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहां से जो है आप सब आदि कुंभेश्वर मंदिर को देख सकते हैं आदि कुंभेश्वर मंदिर पिरािडल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है भारत के तमिलनाडु राज्य में है। चोल वंश के शासन के दौरान जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था बनाया गया था आगे बढ़ते हैं विरूपाक्ष मंदिर ये इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है कर्नाटक में विरूपाक्ष विजयनगर ध्यान रख सकते हो विरूपाक्ष ये, ये विजयनगर में हो गया बोले तो कहां पे दोस्तों कर्नाटक विजयनगर कहाँ पे है हम्पी हो गया है यहाँ पे स्थित है कांची के पल्लवों पर अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय की जीत का जश्न मनाने के लिए रानी लोक महादेवी द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था ये विक्रमादित्य इतिहास में एक उपाधि हम लोग पढ़ के आते हैं जो सबसे पहले उज्जैन का एक शासक हुआ था उज्जैन का शासक जिसने शक्कों को पराजित करके विक्रम संवंत की शुरुआत करी थी सत्तावन बीसी के समय की बात है तो सबसे पहले विक्रमादित्य चौदह टोटल विक्रमादित्य हम लोग पढ़ के आते टोटल अगर आप सबसे कभी पूछेगा तो क्या आंसर होगा टोटल फोर्टीन टोटल फोर्टीन और अंतिम और लास्ट अगर हम लोग पढ़ के आते तो हेमू विक्रमादित्य लास्ट था रेवाड़ी का शासक पढ़ के आते हेमू विक्रमादित्य विक्रमादित्य अंतिम और जिसने सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करी थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था क्या नाम था गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय इस मंदिर का निर्माण लंकन दंडेश की सहायता से किया गया था जो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के द्वारा प्रौढ़ देवराय जिसे कहा गया कि प्रौढ़ाय सेनापति था तो किसके विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय देवराय के अधीन एक सेनापति था नाम लखन दंडेश की सहायता से जो वो किया गया था तो विजयनगर में तो ये हम लोग पढ़ के आते हैं सबसे पहले विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में और अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश संगम देन तुलुभ उसके बाद तुलुब और देन अराविडू राजवंश पढ़ के आते हैं है ना चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे मेन बात हो गई विरूपाक्ष मंदिर भारतीय किस राज्य में तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कर्नाटक में कहाँ पे कहा विजयनगर कर्नाटक कर्नाटक वाला दक्षिण भारत की मंदिर शैली कांची के पल्लवों पर अपने पति नाम विक्रमादित्य द्वितीय सेकेंड की जीत का जश्न अपने पति की जीत का जश्न मनाने के लिए रानी लोक महादेवी द्वारा के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था यहां से पढ़ेंगे विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी इन द विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कहाके ऊपर विजय अपने पति की जो विजय हुई थी नाम विक्रमादित्य सेकेंड उसी का जश्न मनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है रानी लोक महादेवी ने करवाया था दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन असिस्टेंट विद लखण दंडेश हु ए कमांडर अंडर द रूलर देवराय द्वितीय जिसको प्रोड देवराय भी कहा गया है ऑफ द विजयनगर एम्पायर तो यहां से थोड़ा सा आइडिया हुआ देवराय फर्स्ट देवराय सेकंड हम लोग पढ़ के आते हैं किस वंश के हैं ये तो ये हैं आपके सबसे पहला जो संगम राजवंश हम लोग पढ़ते हैं उसी राजवंश में आते हैं तो संगम राजवंश से संबंधित हैं आगे बढ़ते इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं यहां से आप विरूपाक्ष मंदिर को पढ़ेंगे ये हम्पी के स्मारकों का समूह है और जिसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था तो 1986 में में जो इनको यूनेस्को शामिल किया गया था हम्पी स्मारक जो है मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी इनको कब शामिल किया गया था तो 1986 में जो इसको विश्व यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था ये श्री विरूपाक्ष शिव का एक रूप को समर्पित है फरवरी के महीने में यहाँ हर साल वार्षिक रथ उत्सव का आयोजन भी किया जाता है रथ उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे हर साल विरूपाक्ष टेम्पल इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट कहां पर हम्पी विजयनगरिटेजेजी सूची में शामिल कर लिया गया था इट इज डेडिकेटेड टू सिर विरूपाक्षा इन द मंथ ऑफ्री द एनुअल चेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है यहां पर एवरी ईयर प्रत्येक साल रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिएगा यहां से जो आप विरूपाक्ष मंदिर की इमेज को भी देख सकते हैं देखो इमेज के जरिए बताया गया आप सबको चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर हुआ हमारा विजयनगर में नेक्स्ट देखिएगा इरावतनेश्वर इराव इरातेश्वर नहीं है इरावतनेश्वर इरावतनेश्वर मंदिर जिसे श्री जुराहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है भगवान शिव को समर्पित है और ये भारत के तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित है तो इरावत इरावतनेश्वर मंदिर कहां पे है कांचीपुरम तमिलनाडु में हो गया है इसे किस नाम से भी जाना जाता है तो जुराहेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है किसने बनवाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है इरावतनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इरावतनेश्वर यहां से देखिएगा इरावतनेश्वर टेम्पल ऑल्सो कोल्ड श्री जुराश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लोर्ड शिवा एंड इट इज लोकेटेड इन कांचीपुरम इन तमिलनाडु तो भारत में तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थापित है इट वॉज बिल्ट बाय पल्लव किंग नरसिंह वर्मन सेकंड बनवाया किसके द्वारा गया था तो नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था इरावतनेश्वर मंदिर राज्य का नाम पूछेगा तमिलनाडु बनवाने वाले शासक का नाम है राजा नरसिंह वर्मन सेकंड और किस देवता को समर्पित है तो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर हो गया है नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद इरावतनेश्वर मंदिर की इमेज आप सब यहां से देख सकते हैं इरावतनेश्वर टेम्पल कोशिश की गई है कि आप सबको थोड़ा इमेज दिखा के कुछ चीजों को थोड़ा क्लियर करके आप सबको बताया जाए कि भाई देखिये मंदिर इस तरीके से दिखते हैं और ऐसे होते हैं आप सब इनमें देख पा रहे हैं किसी मंदिर जो अभी आप सबको द्राविड़ शैली में दिखाए गए किसी मंदिर में क्लश नहीं है जो जैसा या फिर आप उसको कह सकते हैं कि एक राउंड स्ट्रक्चर जो आपके कर्व के स्ट्रक्चर है वो ऐसे नहीं है उसके बाद है श्री काला हस्ती मंदिर तो श्री काला हस्ती मंदिर भारत के किस राज्य में हो गया आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में है और श्री काल हस्ती शहर कहाँ पे श्री काल हस्ती शहर में स्थित है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है श्री काला हस्ती मंदिर भी जो है वो किस भगवान को समर्पित है तो यह भगवान शिव को समर्पित है राज्य का नाम पूछेगा तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में हो गया है ये भारत का एक मात्र मंदिर है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान खुला रहता है जबकि अन्य सभी मंदिर जो बंद रहते हैं एक मात्र इसलिए क्या होगा जो चीजें अलग है ना जो यूनिक है वो उनकी इंपोर्टेंस फिर बढ़ जाती है तो इकलौता ऐसा मंदिर है जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान खुला रहता है बाकी जो मंदिर है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान जो है बंद रहते हैं दोस्तों ये भारत का एक मंदिर जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान जो है वो खुला रहता है ये मंदिर राहु केतु पूजा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर श्री काल हस्ती मंदिर जो है राहु केतु की पूजा के लिए प्रसिद्ध है इकलौता ऐसा भारत का मंदिर हो गया है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान जो है वो खुला रहता है भारत के किस राज्य में है तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद इंग्लिश में इधर से देखिएगा श्री काल हस्ती टेम्पल इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ अ श्री काल हस्ती इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लोर्ड शिवा किससे संबंधित है ओनली टेम्पल इन इंडिया विच रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग सोलर एंड लूनार इक्लिप्स सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान वाइल ऑल अदर टेम्पल्स आर क्लोज जबकि दूसरे सभी जो मंदिर है वो बंद रहते हैं दिस टेम्पल इज अ फेमस फॉर राहु केतु पूजा तो ये मंदिर जो वो किसके हो गया है तो राहु केतु पूजा से संबंधित हो गया है राहु केतु की पूजा के लिए जो इस मंदिर को जाना जाता है लेकिन संबंधित किससे है भगवान शिव से संबंधित है नाम श्रीकाल हस्ती मंदिर एकलोता अभी तक आंध्र प्रदेश राज्य से कोई मंदिर हमने नहीं पढ़ा है एक ही मंदिर हम लोगों ने अभी पढ़ा है श्रीकाल हस्ती टेम्पल राज्य का नाम क्या हो गया है यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद यहां से जो है आप सब श्रीकाल हस्ती मंदिर की इमेज को भी देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट पे आइएगा इसके बाद वैशर शैली अब हम लोग जो है थर्ड वन पे आएंगे वैशर शैली नागर और द्राविड दोनों का मिला जुला जो स्वरूप होता है उसको वैशर शैली बोलते हैं असल में हम लोग जो है लिखे ऐसा बोलते हैं नागर प्लस में द्राविड और इज इक्वल टू में ऐसा लिख देते हैं वैशर बोल देते हैं ठीक है यहां इंग्लिश वाले देख सकते हैं नागर प्लस में द्राविड और इज इक्वल टू में वैशर हो गया आपका ठीक है दोस्तों तो ये मिला जुला अनूठी विशेषताएं हो गई हैं इसमें तो अब हम लोग जो है हम लोगों ने यहाँ से काफी कुछ पढ़े कुछ अलग अलग मंदिरों के बारे में पढ़ा अगर एक बार में चीजें आधे अधे क्लियर हो रही हैं, तो दूसरा आप लोग यहाँ से जब बुक को पढ़ के आएंगे जैसे आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट करी और उसके बाद आप सबने जैसे बुक को फॉलो करा या फिर आपने जो नोट्स आप सबको दिए गए हैं थ्योरी के उन थ्योरी वाले नोट्स को पढ़िएगा उसके बाद एमसी लगाइएगा और जब आप इस एक टॉपिक में से तीन चार बार जब गो थ्रू हो जाएंगे तब देखिएगा आप सबकी तैयारी कितनी हो जाएगी यानी कम से कम जो है आप सबको एक बार यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप सबको जो है किसको भी पढ़ के आना है यहाँ पे तो आप सबको जो है अः अपने जो नोट्स हैं या जीएस थ्योरी की जो बुक है या फिर जो पीपीटी आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको पढ़ के आना है देखिए इसका जो विमान और मंडप पे है इसकी भू चित्र मूल रूप से एक तारे के आकार या याट प्लान में है भारत की वास्तुकला की अनूठी विशेषताओं में से एक वैशर में एक खुला गलियारा भी होता है इस शैली की संरचनाओं में उनके आधार के रूप में एक ऊंचा मंच या जगती होता है जगती जहाँ जगराता होता है जगती उत्तर भारत की शैली है जहाँ पे नागर में पढ़ के आते जगराता मीन्स जहा पे भजन कीर्तन किए जाते हैं वो जगती पढ़ के आते स्तंभों दरवाजों छतों को जटिल नकाशी से सजाया गया है एंड मंडपा तो किसके ऊपर इंफेसिज करता है विमान और मंडप पे इट्स ग्राउंड प्लान इज बेसिकलीउंड प्लान जो सामान्य क्या होता है, एक में होता है। और आर्किटेक्चर वेसरा हैज एन ओपन एम्बुलटरी पैसेज वे बस ये सबसे इंपोर्टेंट है ये सबसे इंपोर्टेंट विशेषता बता दी है वास्तु एक खुला गलियारे के रूप में जो है ये देखेगा वेशर में एक स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टाइल हैव एन अनरेज प्लेटफॉर्म और जगती एज दियर बेस उसके ऊपर होता है अनरेज uh, एक होता है ना रेज ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है जिसे जगती कहते हैं जहां पे भजन कीर्तन किए के जाते हैं पिलर्स डोरवेज सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद इंट्रीकेट कार्विंग तो इनको सजाया जाता है स्तंभों दरवाजों छतों को जटिल नकाशी से सजाया जाता है यहां से जो है आप आ, दोदा बशपा जो है मंदिर भी देख सकते हैं अलग अलग शैलियों में निर्मित मंदिर भी आप सबको इमेज से बताए गए हैं नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है वैश्विक शैली वास्तुकला में वैश्विक शैली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में चेनाकेशव मंदिर विरूपाक्ष मंदिर और लाड खान मंदिर हो गए हैं पेपर में लाड खान मंदिर पूछा है इसके बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान दे लेना है लाड खान ये शैली वास्तुकला की नागर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रण हो गया है तो हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि नागर नॉर्थ इंडिया के हो गए उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली पढ़ के आते हैं वैशर साउथ इंडिया के हो गए दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली पढ़ के आते हैं जबकि सॉरी द्राविड़ हो गया ना दक्षिण भारत के और वैश्वर जब वो दोनों का मिला स्वरूप है इस शैली की उत्पत्ति कहां पे होती है तो कर्नाटक में जो इस शैली की उत्पत्ति होती है कर्नाटक में मंदिर कौन से बताएं चेनाकेशव मंदिर विरूपाक्ष मंदिर और लाड खान मंदिर किस शैली के हो गए हैं तो ये वैश्य शैली के मंदिर हो गए हैं और नागौर द्राविड़ शैलियों का मिश्रण है ये शैली और इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ पे हुई है तो कर्नाटक राज्य में जो इसकी उत्पत्ति होती है इंग्लिश में यहां से देखेंगे द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ वैशर स्टाइल आर देना केशव टेम्पल विरूपाक्ष टेम्पल और लाड खान टेम्पल दिस स्टाइल इज द फ्यूजन ऑफ नागर एंड द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड दिस स्टाइल ऑर्गेज ऑर्गेनाइटेड यानी ऑर्जिनेटेड इन कर्नाटका कहां पर इसकी उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति ऑर्जिनेट हुआ था यह कर्नाटक में आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं यहां से नेक्स्ट देखिएगा वैश्य शैली वास्तुकला में यह प्रवृत्ति बादामी के चालुक्य द्वारा शुरू की गई थी जिसे एलोरा में मान्य खेत एलोरा जो है भारत के किस राज्य में हो गया है तो यह कर्नाटक में हो गया है पे हो गया दोस्तों ये कर्नाटक में हो गया है कर्नाटक का ध्यान रखेंगे तो बादामी के चालुक्यों के द्वारा शुरू की गई थी जिसे एलोरा में मान्य खेत के राष्ट्रकूटों लंकुडी दम्बल गदग आदि में कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा और परिष्कृत किया गया था और होयशालों के द्वारा इसका प्रतीक बनाया गया था हैलीविड का होशाल टेम्पल भी पढ़ के आते हो कि नहीं आते हो तो वहीं से होश्याल भी ध्यान रखेंगे तोरण जो है हिंदू जैन और बौद्ध वास्तुकला में एक पवित्र प्रवेश द्वार है तोरण किसमें दोस्तों हिंदू जैन और बौद्ध वास्तुकला में एक पवित्र प्रवेश द्वार है जबकि गोपुरम हम लोग पढ़ के आते हैं दक्षिण भारत में भी मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है गोपुरम नाम दिया गया है तोरण के प्रवेश द्वार के नाम पर लटका हुआ एक चित्रवल्लरी हो गया है द ट्रेंड वॉज स्टार्टेड बाय द चालुक्य तो वैश्य शैली है ट्रेंड वॉज स्टार्टेड ऑफ बादामी फर्दर रिफाइंड बाय द राष्ट्रकूटा लंकुडी दम्बल और यानी गि एटसेट्रा एंड एप्टियोमाइज बाय द होशाल और आगे किसको बढ़ाया गया था होशालों के द्वारा द तोरण इज द ऑफ प्रेजी हैंगिंग नेम्ड आफ्टर ए स्क्योर्ड गेट इन हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर तोरण भी गोपुरम भी दोनों ही नाम आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट देखिएगा बादामी के गुफा मंदिर बादामी गुफा मंदिर बादामी कर्नाटक में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर हो गया है बादामी कहाँ पे है कर्नाटक में और कहा के गुफा मंदिरों का एक परिसर हो गया है ये तो जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है ध्यान रखेंगे हिंदू और जैन गुफाएं भारतीय रोक कट वास्तुकला के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं विशेष रूप से बादामी जो है वो चालुक्य वास्तुकला है बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था मंगलेश ने करवाया था किसने करवाया था मंगलेश अगर आप सब नहीं जानते मंगलेश के बारे में मैं तो मैं थोड़ा आप सबको बता दूं जब हम लोग चालुक्य वंश पढ़ के आते हैं आप सबने पुलकेशन सेकंड का तो नाम सुना ही होगा पुलकेशन द्वितीय पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है और इस युद्ध की जानकारी एहोल अभिलेख में मिलती है तो पुलकेशन द्वितीय का जो चाचा था वो मंगलेश था पुलकेशन द्वितीय और चाचा मंगलेश के बीच ग्रह युद्ध भी होता है मंगलेश का भाई पुलकेशन फर्स्ट जो है वो संस्थापक हुआ था उसकी मृत्यु के बाद जब पुलकेशन द्वितीय छोटा था तो राजा मंगलेश बनता है और मंगलेश अपने बेटे को जो राजा बनाना चाहता है इसी वजह से आप समझिए इनके दोनों के बीच जो एक ग्रह युद्ध होता है तो इसी में पुलकेश द्वितीय की जिजय होती है तो बादामी के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था मंगलेश ने करवाया था बादामी गुफा मंदिर कहीं एकदम से मंगलेश नाम सुने और आप समझें कि हमने तो पहली बार ही सुना है तो बहुत ज्यादा उल्लेख तो यहाँ पे नहीं मिलता है बादामी केव टेम्पल्स द बादामी केव टेम्पल्स आर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू एंड जैन केव टेम्पल्स लोकेटेड इन बादामी कर्नाटका द केव्स आर इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन रॉक कट आर्टेक्चर स्पेशली बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर बादामी केव वर बिल्ट बाई मंगलेशा तो किसके द्वारा बनाए गए थे तो मंगलेश के द्वारा जो है ये मंदिर बनाए गए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद हम लोग यहां से आप जो बादामी गुफा मंदिरों का इमेज को देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसके बाद रुद्रेश्वर मंदिर शैली में रुद्रेश्वर मंदिर है हमारे पास आगे नेक्स्ट में रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 सौ ईस्वी में किसने काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचरला रुद्र के द्वारा किया गया था रुद्रेश्वर मंदिर किसने बनवाया रेचेरला रुद्र ने किस वंश में बात कर रहे हैं तो काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति गणपति के सेनापति रेचरला रेचरला रुद्रा के द्वारा जो है रुद्र के द्वारा रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था यहाँ के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं कौन है रामलिंगेश्वर स्वामी चालीस साल तक मंदिर में काम करने वाले मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर का नाम भी दिया जाता है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है रामप्पा मंदिर जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित हो गया है तो रामप्पा मंदिर हम लोग पढ़ के आते हैं तेलंगाना में रामप्पा मंदिर इसको जो है यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया था यूनेस्को 2019 हजार उन्नीस पर क्या दो हजार में शामिल कर लिया गया था रामप्पा मंदिर तेलंगाना का और धोलावीरा जो है इन दोनों को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था दोनों एक साथ आए थे ना ये चलिए यहां से हम लोगों ने दो पॉइंट को जान लिया कि रुद्रेश्वर मंदिर जो है 1213 सौ ईस्वी में किस वंश के शासनकाल के दौरान काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान राजा का नाम क्या था गणपति देव तो गणपति देव के सेनापति कौन थे यहाँ पे तो रेचरेला तो रेचरेला रुद्र के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था यहाँ के पिठाशीन देवता कौन हो गए तो रामलिंगेश्वर स्वामी हो गए हैं पीठाश्वर मंदिर इंग्लिश में देखेंगे यहां से द रुद्रेश्वर टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ट्वेल्व थर्टीन एडी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ काकतिया एम्पायर बाई रेचरेला रुद्रा कौन थे रेचरेला रुद्रा ए जनरल ऑफ काकतिया किंग गणपति देवा तो गणपति देव के जो है जनरल हो गए थे सेनापति प्रेजाइडिंग रामलिंगेश्वर स्वामी तो किस देवता संबंधित हो गए तो रामलिंगेश्वर स्वामी नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नोन राम अपा टेम्पल किस नाम से भी जाना जाता है तो राम अपा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है आफ्टर द स्कल्प्टर हु टेम्पल फॉर फोर्टी ईयर जिन्होंने चालीस साल तक जो है यहाँ पे काम करा उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम राम अपा मंदिर भी रख दिया गया है चलिए रुद्रेश्वर मंदिर हुआ हमारा काकतीय वंश के शासन काल के दौरान बनवाया गया आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग जो है रुद्रेश्वर मंदिर को देखेंगे रुद्रेश्वर टेम्पल ठीक है मेरे दोस्तों यानी कोशिश तो की जा रही है कि हर एक तरीके से यानी पहले उसको एक आर्किटेक्चर की शैली को एक एग्जांपल के स्वरूप भी आप सब समझें उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को भी जानें फिर उनसे संबंधित जो मंदिर अलग अलग हो गए हैं भारत में उन मंदिरों को भी हम लोग पढ़ें और उन मंदिरों की जो-जो विशेषताएं हैं जिस हिसाब से हम सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये वो आप सबसे पूछेगा कि मंदिर भारत के किस राज्य में तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे साथ साथ भी करते चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग यहाँ से मंदिर के आगे बढ़ाएंगे वैश्विक शैली में अब उसके बाद जो हम पंचायतीन मंदिर शैली को भी पढ़ेंगे जहां से हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट मंदिर के बारे में और संबंधित राज्यों के बारे में ठीक है दोस्तों तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और ध्यान से क्लास को आप सबने अगर देखा है तो काफी कुछ चीजों को आप सबने यहाँ से सीखा है अपना अवेलेबल स्पॉन्स जरूर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू